अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सरे धिपे हो सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल हैं तो वाले? ठीक ठाक हो? तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे मामा, तमाम प्यारे परे बच्चियाँ और बच्चे जिन्हें कुछ छुट्टियाँ हैं पे, सबको अक्सा गुड मॉर्निंग और जी आया को। अच्छा, सबको पहले तो मेरे रास्ते में, बल्कि मेरे ही प्रोड्यूसर सुहेल का कल एक्सीडेंट थे और मैं बिल्कुल दुआ करे अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। और ये बीमारी के बावजूद, यानी कि ढावण के बाद, जख्मी थी वन के बाद भी आज आए हुए थे, पैनल संभाला आए थे उन्होंने, और अल्लाह ताला उनको जजा दे, मैं तो यो आ सकती हाँ। और बिल्कुल के मेहनती इंसान तो है, मैं मने नहीं हाँ, मने नहीं हाँ, लेकिन भाई मेरे को यकीन मने सो के क्यों सा कलीग हैं, इकट्ठे रहने हैं, तो कल तो जलबे सुना तो मैं वो ही परेशान थी गई, और आज मेरे नाल ही इकट्ठे ऐसा आए हैं, थोड़ा लेट आज पहुंची हाँ। और भाई कम दौड़ी गई मेक ओवर की, पता नहीं ठीक है, यानी थोड़ा कॉन्शियस भी आज हाँ मैं। और बहरहाल अल्लाह उन्होंने कुछ सेहत अता करे और उन्होंने जिंदगी बरकत देवे, और हादसा तो जिंदगी का हिस्सा है, मैं आदि है, लेकिन जान जड़ी है ना, वो इंसान की बच बने तो वाले इन्हें तो भी शुक्र अदा करना चाहिए थे। छोटी मोटी चोटा लगते रहने थे, लेकिन उन्होंने फ्रैक्चर थी गई मेरे रास्ते में, और अच्छी न्यूज़ अल्लाह करे मिले, और मजीद दिखे सन भी सही, चेकअप भी करे सन थे। अच्छा जी, चलसा प्रोग्राम वाले, क्योंकि टाइम दी मैं गाल करे सा आज, क्योंकि मैं थोड़ी लेट थी गई हाँ, और मैं जल्दी जल्दी भागम दौड़ी चाहिए, और आज चाय का कप भी मेरा हाल तक नहीं पूजा। तो बाजे टाइम वक्त सारे वास्ते बड़ी ही ज़्यादा अहमियत रखी है प्यों ने, कि मैं वक्त पे पहुँचा, वक्त हर काम करा, और मैंने सो कि मैं घड़ी की जड़ी सुई है ना उदे चलती पई हम, कि इतने टाइम विच मैं इतना पुजने थी, यानी ऑफिस आने थी, ऑफिस के बाद इतना टाइम मेरे मेक ओवर से लगते थे, इतना टाइम मेरे को मिलते थे, कि उन्हें बाद मैं अपने प्रोग्राम वाले दे थी कि मैं करना क्या है। वैसे तो मेरी कोशिश होती है इवनिंग के टाइम ही मैं रिसर्च कर घिना या देख घिना कि मौजू है जो तो डिस्कस करने थे, लेकिन बाजे टाइम क्योंकि जो मौसम खूबसूरत है रात मैंने वाकई, लेकिन गरज चमकना थोड़ा ये है कि थोड़ी मैं भी खौफजदा थी, क्योंकि सुते पे ही एकदम बारिश शुरू थी गई और आंधी बहुत ज्यादा है, तूफान टाइप है, और जब सवेर नाल उठे हैं तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत समा है, जरा कि आधे ना थोड़ा तेरे मूड को फ्रेश कर लें, और मेरा भी अच्छा खासा जरा मूड खराब थी चुका है, थोड़ा फ्रेश थी गए। अच्छा, गाल करने पे वक्त भी, और आए थे जमाना ओ है पे जिदे हर बंदा आधे कि मेरे को वक्त क्या है, पहले टाइम तो ऐसा देखो आधे वधे होने के यार, कोई अगर आखे थिया यार टाइम कढ़ो मेरे घर आओ देख, मतलब अच्छा लग सी मेरे को तो वाला साथ है यार, वक्त कहने सारे को यार कोशिश जरूर करे सा, पर वक्त कहने अच्छा जी साथ है ना, कोशिश जरूर करे सा सारे एक आधे ना बैक ते जड़े आधे हैं, या साथ है कि सोच ये होती है कि यार नहीं मैं अपने काम मेरी पहली प्योरिटी है, पर उन्हें बाद में देख सा, मतलब दोस्त वास्ते या लोगों को मिलने वास्ते टाइम हो सी तक ढे सा, यानी अंदर ही सारे ख्याल चल रहा पे होता जितने बस आके लोगों को कि नहीं मैं कोशिश करे सा, लेकिन ऐसे कोशिश की रही भी नहीं करेंगे पे होते, लेकिन जो टाइम अगो गुजरदा पे होंगे थिया, मतलब मैं अगर अपनी जिंदगी की गाल करेने हैं ऐसा ऐसा बच्चे हैं ऐसे वक्त के नाल नाल ऐसा वे थे टीनेजर बने, उनके बाद ऐसा मैच्योरिटी आले पास है, और इनके बाद इन यकीन ऐसा बुढ़ापे आले पास से आने थे, उनके बाद जल एक एज आती है ना जिथे असाधे रुक गई एज, वहाँ सा को एहसास थी ना पे कि जो वक्त है जो गुजर गए थिया वो कितना गोल्डन में आते हैं, गोल्डन वक्त है, और ऐसा को उन्हें नहीं मतलब स्पेंड किया जिनसा को करना चाहिदा है, उन्हें नहीं गुजारा जिनसा को गुजारना चाहिदा है, यानी कि उन वक्त विच सा को अपने वास्ते टाइम करना चाहिदा है, अपने रिश्तेदारों वास्ते टाइम करना चाहिए, अपने अम्मा अब्बा वास्ते टाइम करना चाहिदा है, अपनी औलाद वास्ते टाइम करना चाहिदा है, जो सब सारे को दूर थी मैंने माजा दे नाल वालदेन जिंदगी विच नहीं होंदे, बच्चे बड़े थी चुके होने थे, और क्योंकि सानू को वक्त नहीं दिता होंदा, टाइम नहीं दिता होंदा, तो वो भी सा को वक्त या टाइम नहीं देंदे पे होंदे, उन्होंने एक अपनी अलहदा ही लाइफ होंदी है, उन्होंने दोस्त होने थे, मतलब हूँ विच लोग बिजी थी होने, वाल सा को एहसास थी कि जरा सोहना जहा टाइम सारी जिंदगी का गुजर गए, अगर इो ही वक्त असा अपने वास्ते, मैं इतना आखसा कि ये वक्त जड़ा है ऐसा अपने वास्ते, दूजे की गल तो मैं करें नहीं कि वक्त दिता नहीं कहीं को ऐसा या वक्त भज गए थे, अपने को क्या अपनी जात को भी ऐसा वक्त दिते से सोचो, क्या अपने वास्ते भी कुछ सोचे से, क्या नहीं सोचा ना, बिल्कुल नहीं सोचा,
और मैं आजकल वाकई सुचेंदी वर्दी हाँ जी कि मैं तो कुछ ऐसा कि मैं सोचे कि थोड़ा बहर वरना चाहिए, थोड़ा फिरना चाहिए, थोड़ा अपने वक्त दे वक्त निकालना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है मैं अपने वास्ते वक्त निकाले और मेरे को इतने साल बाद एहसास थे कि मैं मेरे वास्ते भी वक्त होना चाहिए, मेरी जात वास्ते भी वक्त होना चाहिए थी। वो वक्त जिंदे च मैं अपने बारे सोच सका, क्योंकि ऐसा सारी जिंदगी जड़ा है थी। ऐसा जल में छोटी देर जाने हैं, ऐसा अपने बच्चे अंदर सोचेंदे पे होने हैं, या स्टार्ट अगर शादी की गल करने हैं तो घर वाले अंदर सोचेंदे पे होने हैं, ससुराले अंदर सोचेंदे पे होने हैं, मैं ख्याल अंदर सोचेंदे पे होने हैं कि सबको किवें राजी रखने से किवें खुश रखने थिया। कितने तो अपनी जात जड़ी है सारी निकलक थी वेंदी मैं आदि हाँ सब भूल वेने हैं कि ऐसा कौन हासे मैं आयशा हम सही गाल करे सा मैं आयशा हम। लेकिन क्योंकि ऐसा इतने सारे रिश्ते नाल जुड़ चुके होने हैं, ऐसा हुना रिश्तों को निभेंदे रहने हैं और हुना रिश्तों को घिन के चलते पे होने हैं, अपनी जात वास्ते कोई भी टाइम सारे कोल कैद नहीं होता। इन्नी सारी ड्यूटियां होने थे तारे कोल, घर के जिम्मेवारियां होने थे, बच्चे थी मैंने। अगर मैं आती हाँ कि कोई वर्किंग वूमेन है तो यकीन मैंने सो कि वो अपने जॉब में इतनी बिजी होती है, काम में इतनी बिजी होती है कि उनके कोल अपने वास्ते अपनी जात वास्ते टाइम नहीं होता। सिर्फ मैं औरत की गल नहीं करें भाई, मर्द का भी यो ही हाल है पिया। हर मर्द मैं आधियां जेल के लड़के तू मर्द भर दे थिया, मैं चोर थी दे थिया। और उनकी जिम्मेवारियां पौने थे, घर दे होने जिम्मेवारियां, शादी थी गई है, बीवी है पे, उन्हें बाद बच्चे हैं पे, वाल सारे चीज़ों को कट्ठे घिन के चलना पे आंदे, वो जो लाउबालीपन होंगे जरा बेखबरा साख सकते कि कहीं चीज़ की कोई परवाह क्या नहीं, वाल उकू सिर्फ अपनी फैमिली की परवाह होंगी है। उनकी खातिर मैं आखदी हाँ जड़ा मौसम है जी तरह का मौसम है, वो मर्द जड़ा है साकू बहर कमांदा नजर आते थिया, जी तरह का काम मिलते थिया। मैं आखदी हाँ कि अगर मजदूरी करनी पौंदी है तो मजदूरी भी करें दे थिया। और सिर्फ किस गलों सिर्फ अपनी फैमिली खातिर, अपनी खातिर तो सुचेंदा भी नहीं पियादा थे, शायद सिर्फ बचपन में ही वो टाइम होते थे जल्द से अपनी खातिर सुचेंदे पियाने हैं, अदरना बेखबरा और वो टाइम जो साकू कहीं की परवाह नहीं होती, सिर्फ असा अपनी जात वाले सोचेंदे पे होने, साकू चिकी टॉकी टॉफी मिल वने, साकू खिलौने मिल वने, तो सारी होंगे छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं बचपन में जिद तो सर राजी थी वने हैं, तो ये जो चीज़ा साकू मिल वने। मैं अपने बचपन की गल करी पी, अजकल के बच्चे ही छोटी छोटी चीज़ों से राजी थे होना लेके आई मैं जाननी हाँ, अजकल के बच्चे की तो बड़े बड़े वे वे फरमाइशा हैं पे, वो चीज़ा जेडे कि असा हूँ मैं छोटी की एज इस्तेमाल करेंदे पे हैं, जॉब करेंदे पे हैं, उम्र सारी जरूरत है तो असा हूँ इस्तेमाल करेंगे हैं। सैलफोन की मैं गल करे सा या टैब की गल करे सा या लैपटॉप की गल करे सा, मुख्तलिफ गैजट्स जड़े हैं असा जल वर्किंग रूटीन में आए और साकू ज्यादा लोड पड़ी क्योंकि साकू रिसर्च करने थी देखने थी दुनिया क्या करेंदी पई है, न्यूज़ तो बाखबर आ तवल सा कोई क्यों मीडियम होते थे जेल सा कुछ जेल टाइम मिलते हैं सारे दिन। लेकिन ये सारे चीज़ा मैं आज दे बच्चों को तमाम सहूलत मौजूद हैं पे, यानी कि आज दे बच्चे मैं आख सकते कि महंगे तरीन बच्चे हैं पे। और असा जड़े बच्चे हादसे असा छोटी छोटी चीज से खुश थी वेंदे हादसे, थोड़े जे अब्बा ने जेब खर्च अगर पाँच की बजाय 10 रुपये दे देते हैं तो बड़े खुश थी वेंदे हादसे कि आज अबू ने खर्चा दे जाकू ज़्यादा दे देते। और मेरे को याद है अपने कॉलेज का जमाना, उन टाइम सिर्फ 20 रुपये मिलते हैं साकू और मैंने सो कहे कोक भी मतलब कोई भी ऐसा मशरूब आपको कोई शायद ना ऐसी मिलती है कि मैं साकू एक इवन के क्योंकि ऐसा उन टाइम मेरे को याद है कि ऐसा दही बड़े और ये टाइप की चीज़ा बड़े ही शौक न खाते हाँ से अगर मिलते हैं तो मतलब छोटी छोटी ख्वाहिशा होने हाँ थे, कोई ना पिज़्ज़ा दी है ना बर्गर दी है, मतलब कोई इन तरह की ख्वाहिश ना रखे दे ऐसे। और आज जड़े हैं बच्चे बड़े औखे पलदे पे थे और माँ वहाँ से सबको ज़्यादा टेंशन है कि उनको क्या खवाया वने, और क्रिस्पी क्रंची चिकन जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और पाकिस्तान विच में आदियाँ बढ़ावन खास आंगे ताकि रेस्टोरेंट की तरह बढ़ावन, तो घरेलू खवातीन एक बिल्कुल पूछते वे उन्हें टोटका कि क्या टोटका है, क्योंकि बच्चे जड़े हैं अजकल के वो बच्चे पहले वाले नहीं रह गए। तो ये खातिर अक्सर रसा वेंदे थे कि मैदा यूज कर घिनो, ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर घिनो, लेकिन जितनी भी कोशिश कर घिनो क्योंकि को भी बड़ा टाइम लग वेंदे, 2-2.5 घंटे लग वेंदे थे सारे टोटके जड़े डसे वेंदे थे, तो लेकिन 2-2.5 घंटे गुजारने के बाद भी टाकू जो है ना वो मज़ा वो जायका और वो क्रंची क्रिस्पी चिकन नहीं मिलती। तो आज आयशा टाकू दसे सी कि जनाब बिल्कुल क्रंच का मज़ेदार टोटका क्या है पिया,
क्रंच दा मजेदार टोटका है, क्रिस्पी फ्राई जिको तो सही इस्तेमाल कर रहे थे, और वैसे भी इवनिंग दे टाइम शाम को जल बच्चे खेल कूद के आने थे, उन्हें को भूख लगी होंगी है और उन्हें दी डिमांड होंगी कि कोई फ्राइड स्नैक टाइप हो गई उन्हें वास्ते। और ए टाइम अगर रेस्टोरेंट तो मंगवाया उन्हें यो मतलब कॉल की थी मैंने, बहुत सारे हैं पे आजकल दे ब्रांडेड घर दे देते हैं लेने थे, मतलब होम डिलीवरी भी चल रही है, लेकिन उन्हें वास्ते भी टाइम लग गए थे, 2 तो 2.5 घंटे 3 घंटे इंतजार करना पौधे। और बच्चे जड़े हैं तो आपको पता है बड़े ही बेसब्रे हो, उनके था इंतजार कर रहे थे। अगर तुम चाहते हो कि जिमें रेस्टोरेंट विच क्रिस्पी फ्राई चिकन मिलती है और क्रिस्पी होंगे कुरकुरापन भी होंगे, उम्मीद अगर तुम चाहते हो कि घर बनावना तो वाल तुसा क्रिस्पी फ्राई इस्तेमाल करे। सो जनाब जी ए मिसालेदार कोटिंग मिक्स मिसाला है पिया, इन्हें च मिसाले सारे मौजूद हैं, तो आपको कुछ भी नहीं सटना, सिर्फ कोटिंग करनी है। तरीकेकार वैसे तो हदायत इन्होंने पिछू बैग से दिखती हुई है मैं रास्ते नाजरन को, लेकिन मैं खुद भी दस रहा कि क्या करने थे मेरे भेणी ने बच्चों को राजी करने वास्ते, खुश करने वास्ते। आजकल के बच्चे बड़े औखे हैं, इन्हें को राजी करना बड़ा मुश्किल काम है पिया। अच्छा क्रिस्पी फ्राई वास्ते करना है कि चिकन घेरनी है एज यूजल जी वैसे कि वॉश करनी है। मैं ये भी दसना जरूरी समझ दी कि बाद भेणी है कि गाल जानना चाहने ना इसे करना क्या है पिया। अच्छा जी वॉश करने थोड़ा कट लावने ताकि जो मिसाला है पिया क्रिस्पी फ्राई हो अच्छी तरह रच बने थे, उन्हें बाद क्या करने कि चिकन के टुकड़ों को क्रिस्पी फ्राई विच कोटिंग करनी है, कोट करनी है यानी तहलावनी है। तहलावन दे बाद तुसा एक अमेजा तैयार करने थे यानी एक मिक्सर तैयार करने थे, तकरीबन चौथाई कप पानी घन घने थे, 3 चम्मच तुसा क्रिस्पी फ्राई दी जड़ी है पिया मिसालेदार कोटिंग है उसको मिक्स करने थे और उन्हें बाद डिप करने थे। वो चिकन जड़ी के तुसा पहले कोटिंग की थी है हूँ को हूँ ई अमेजे विच डिप करने थे। अच्छा डिप करने दे बाद दोबारा अगर तुसा चाहते हो कि मजीद जड़े परत हैं पे वो बन सकें थे क्रिस्प मजीद होवे तो वाल दोबारा कोटिंग करे, सो ही मिसाले विच यानी खुश्क मिसाला एक तो अमेजा तैयार किते से पानी दे नाल, लेकिन दोबारा जनाब जी क्रिस्पी फ्राई विच तुसा कोटिंग करे सो। और उन्दे बाद अगर चाहते हो कि जरा मिसाला है जितना रच बने और अच्छा टेस्ट हो तो वाल तरही तू 60 मिनट यानी कि 1 घंटा तुसा फ्रिज विच रखे सो और ठंडे थी वन्दे बाद दोबारा कढ़े सो और गरम गरम तेल विच जरा डीप फ्राई में आख सकते हैं 8 मिनट, सिर्फ 8 मिनट विच तुसा फ्राई करे सो और इंजॉय करे सो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची चिकन और क्रिस्पी फ्राई मजेदार। अच्छा मैं सोचेंदी पई हम थे कि कल भी मैंने सोचेंदी पई हम तो आपको कि भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसा बना सकते हैं जिन्हें क्रिस्प चाहते पे हैं क्रंच चाहते पे हैं, जिनके अक्सर मामा सैंडविच बने रहते थे। और अगर तुसा ई कोटिंग विच जो कि अमेजा बनाए थे मैं दस रहा कि उन्हें वास्ते तो अमेजे विच डिप करना पोसी, डिप करने के बाद तुसा फ्राई करे सो तो क्रंची क्रंची मजेदार सैंडविच तैयार थी वैसे। इनके अलावा शामी कबाब हैं, अगर आलू दे भी हैं पे तो वो भी तुसा चाहते हो कि क्रंची बनावना, क्योंकि अक्सर उनके वास्ते भी यो ही कोटिंग इस्तेमाल करती वेंदी पंदे मैदा ब्रेड क्रम्स और इतना दे टोट के घर विच इस्तेमाल कर देते पेन, लेकिन वाल भी उतने मजेदार नहीं होंदा तो वाल तुसा इको इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा इनके अलावा जड़ा है कोई भी चीज जिस तुसा चाहते पे हो कि कुरकुरा जिया मजा आवे थे उनकी जड़ी कोटिंग है तुसा जनाब जी बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई नाल कर सकते हो। अच्छा दिया मेरे को है अजीनोमोटो दा जड़ा दा मसाको है पिया, चिकन फ्लेवर मिसाला भी है पिया और ये भी तुसा इस्तेमाल करने थे, और क्योंकि आजकल महंगाई दा दौर है पिया और बच्चे जड़े हैं मेरे को पता है तुम्हारे समेत मेरे समेत बच्चे चिकन ही पसंद कर रहे थे, कोई ऑप्शन क्या नहीं, अगर सब्जी बढ़ाई वाले तो पसंद नहीं की वेंदी पवंदी, नहीं चिकन चाहिए हमें चिकन चाहिए एक जेड होंदी है तो वाल उन्हें वास्ते जनाब जी मसाको दा चिकन फ्लेवर मिसाला है जड़ा तो तुसा इस्तेमाल कर रहे थे। और जड़ा हिक साशे है पिया मैं तो दिखा रहे हैं अपने नाजरन को, जड़ा हिक साशे है वो 2 क्यूब्स दे बराबर है पिया, और इधर अलावा इन नमक ऐड है जो तुसा खाना पकेंदे पे हो तो बिल्कुल नमक ऐड नहीं करना। अच्छा इन अलावा तुसा अगर चाहते पे हो जिनके दाल चना दाल पकावनी है कोई भी किस्म की दाल पकावनी है, इन अलावा आलू की भुजिया बनावनी है, आलू का सालन बनावनी थी, बैंगन दही बन के बर्था भी बनावनी थी, ये भी बहुत सारी चीजें जो कि सब्जी है मिक्स सब्जी ऐसा पकेने होने हैं उनके तुसा मसाको दा चिकन फ्लेवर मिसाला बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, हर खाने विच इस्तेमाल कर सकते हो। जिन्हें चिकन नहीं पौंदी पई लेकिन उन्हें तुसा चाहते पे हो कि चिकन की तरह खुशबू होवे टेस्ट होवे और मजा होवे
तवल तो सब मसाको दा चिकन मिसाला जो फ्लेवर मिसाला है इस्तेमाल करे सो देखो मजे मजे दी गालियां दसेंदी पई आयशा वैसे तो मैं कल भी अपने नाजरीन नाल शेयर कीता है कि जना पसा इस्तेमाल करने थे और वल आयशा ने भी क्योंकि पिछले दिया में चिकन को यूज कीते और वाकई ही खाने दा जो टेस्ट है वो अलग टेस्ट हो रहे थे। अच्छा गाल थी पई है सारे वक्त दी और जनाब अगर वक्त गुजर वने तो वाल पछतावे ही पछतावे रहने वैसे तो वक्त दे हवनल बहु को जा खावे दे थे कि वक्त है कीमती खजाना है पिया वक्त कहीं दा इंतजार नहीं करें दा या वक्त जो है बहु को सिखा रहे दे थे आपको सा को समझा रहे दे थे ये तमाम गाली आज मेरे जो गेस्ट आ सन थे क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर हो सन उन्होंने को पूछूं कि वक्त दी सारी जिंदगी कितनी कितनी अहमियत है और वक्त को सर डिफरेंट मायने में इस्तेमाल करें नहीं स्टूडेंट जड़ा है उकु उन्हें वास्ते वक्त की क्या अहमियत है और एक मैं आधे घरेलू खातून वास्ते वक्त की क्या अहमियत है और गाल हुआ है कि असा एक अच्छे और बुरे वक्त नाल भी नाल कन्वर्ट करने हैं सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ घड़ी दी सुई नाल ही वक्त चल रहे थे जे कि इतना चलना पे आते और पता होते कि मैं 9 बजे प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और फलां टाइम ये करने वही टाइम करने इनके अलावा जिंदगी में सारे अगर मैं पर्सनल गल करनी है तो बहुत सारे फेजिज आते रहने थे अच्छा वक्त आते थे बुरा वक्त आते थे और अच्छा वक्त जड़ा है वो क्या सीखेंगे साकू और जड़ा बुरा वक्त होंगे क्या सीखते हैं ऐसा असा क्या सीखते हैं इन वक्त को लो गाल ए भी है पिया कि हर टाइम हर घड़ी कुछ ना कुछ साकू सीखेंदी पई होंगी है सारे सारे इंसानों को सारे लोगों को क्या ऐसा कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते ये तमाम बहुत सारे सवाल आते हैं आज मेरी जिंदगी घटमट है वक्त के हवाले नाल क्योंकि मैं खुद आज थोड़ी लेट आई यहाँ तो वाल मेरे को एहसास थी मेरे को क्या एहसास थी कि मैं आई हूँ मेरा थोड़ा मूड ऑफ है और सब आते मैंने ऐसा क्या हुआ क्या हुआ क्योंकि मैं वक्त की वाकई ही कदर करें नहीं हाँ मैं दिया हर काम टाइम पर होना बहुत ही जरूरी है इन नाल ही चल सा बिल्कुल छोटी ब्रेक थे ब्रेक के बाद वापस आसो सनल गेस्ट हो सन थे और वाला सन गपशप करे वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदेद तक सवेल दे रहा और एनी टाइम बिल्कुल मेरे गेस्ट आ चुके हैं थे जो कि मैं गाल करें भी पे हम के मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंसान और ख्वाजा मजद सद्दीकी साहब हैं जो कि मुख्तलिफ फोरम थे अपने खिदमत सर अंजाम दें जो नजर आने साकू एनी टाइम सारे नाल हैं गुड मॉर्निंग जिया को और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा क्या हाल है। मैं बिल्कुल ठीक जबरदस्त अल्लाह का शुक्र है जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। आज बड़ा कलर भी जबरदस्त बात आया था थोड़ी नजर दे इंतखाब है प्यार उसने इंतखाब है प्यार डार्क रंग घट चूज करने या पेले हो ज्यादा देखो टीवी पे प्रोग्राम करना हो तो मेरे को डार्क रंग पावना अच्छा लगता है लाइट थोड़ा हट के ना थोड़ा अच्छा लगता पे आंदे थे। अच्छा जनाब थाना एजुकेशनिस्ट भी है और इन्हें देखा अपना स्टाइल है प्यार मेरे को कहीं लगते नहीं के माशाल्लाह अपनी आदर ना कोई यूथ का जरा जमाना है वो कुछ शायद घेन के हाल तक चलता है हाल भी यंग है ऐसी कोई गाल कहने नदीम बेग हैं सारे नाल असने को खुश आमदेद गुड मॉर्निंग जी आएगा यार ये क्या स्टाइल है और हमेशा से चला आ रहा है कोई बदला नहीं है स्टाइल स्टाइल तो होते अच्छा हैं ना तब्दील करना ये मुझे यानी जो थाला है कि यंग लुक दे होना ला आदम दिल होना चाहिए था जवान उम्र की रखे जब तक परी विश्व में रहे जवान रहे आए हाय जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा क्योंकि वक्त हवाना गाल करें दे पे और मुख्तलिफ जावें दे हवाना गाल करे सो ये ना करे सो कि थोड़ा बोरिंग टाइप हो गई और जो पुराने टिपिकल अंदाज होने वक्त ही गुजरें दे पे हैं क्या है और जो वक्त कहीं इंतजार नहीं करें दा फला 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 वक्त है खजाना है कीमती बिल्कुल सारे टिपिकल वर्ड्स याद हैं जिनके सापड़े स्कूल दे समारे जो लिखते ऐसे मजमून ते ही तरह दे गाली लिखते हैं ऐसे जब एक स्टूडेंट दी लाइफ है वो भी गाल करे सो ऐसा लेकिन उनके को पहले टाइम मैनेजमेंट जड़ी है वो क्या है एक होल डे ऐसा अगर अपनी लाइफ का एक दींदा मैं पूरी जिंदगी दी गाली नहीं गाल करें दी पूरी जिंदगी तो सापड़े अपने सुने सको तो सकी टाइम मैनेज किया ते हेक नींदी के सगाल करेंगे तो किवें टाइम मैनेज करूं कि सा को इतना टाइम होवे जिन्हें असा वो हर काम कर भाई हेक नींदी जिंदगी है ये तसव्वुर करूं असा ते हर काम कर सकूं किवें कर सकूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आयशा बड़ा खूबसूरत मौजू चुने तो सा गुफ्तगू वास्ते और आज दी मॉर्निंग शो दे विच अगर असा टाइम मैनेजमेंट ते गाल करे सो तो मैं समझदा असा ना अपने व्यूअर्स ते एहसान करे सो कि अज जिहड़ा वक्त गुजरदा पे इहदी मनसूबाबंदी करना बहुत जरूरी है प्या तो सब पूछे टाइम मैनेजमेंट की को आ दिन ता मैं ताको इंदी मुख्तसर दी तफसील दसे ना कि वक्त दी तकसीम कारी
वक्त दी मनसूबा बंदी, टाइम वक्त मैनेजमेंट मनसूबा बंदी, इंतजाम इंसराम प्लानिंग इकू आदन टाइम मैनेजमेंट। हुण वक्त जिहड़ा है इंदे बारे पहले सब कुछ समझना पौसी वक्त आदे की को हैं। ते मैं इत्था वजाहत करना चाहना कि वक्त एक तेज रफ्तार शय है और दुनिया की सब तो ज्यादा स्पीड वाली चीज वक्त है भी। और वक्त कहीं रुकता कोई नहीं कहीं वास्ते। ठीक है, वक्त सबको मिले। मैं आदा ना दुनिया के दो वड्डे नेमता इन पे जेडे जिको मिले ना उनका फायदा जावे, एक वक्त और एक सेहत। ठीक है, ही वास्ते आदन के वक्त को गनीमत जानो, मसरूफियत को फरागत को गनीमत जानो मसरूफियत तो पहले, सेहत को गनीमत जानो बीमारी तो पहले। बिल्कुल, वक्त को मुट्ठी च कैद नहीं कर सकते सर। वक्त अपनी तरतीब अपने नजम नाल चलने वाली शायद है। असा सीखना यह है कि इनकी मैनेजमेंट किवें करनी है। और याद रखा है कि जिमें मुख्तलिफ चीज़ों की मैनेजमेंट एक स्किल होंगी है, वक्त की मैनेजमेंट भी एक स्किल है भाई। वक्त की मनसूबाबंदी, वक्त की नजम तरतीब जो बंदा बने दे उनके दरम्यान और नाकाम शख्स दरम्यान एक बहुत फर्क आवे दे। जो लोग वक्त को सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी अच्छी मैनेजमेंट की स्किल हासिल कर रहे हैं। स्किल का मतलब है महारत हासिल करना, यानी वक्त को सही इस्तेमाल करन दी जेड़े लोग महारत हासिल करने वो लोग हर शोबे कामयाब हैं। अच्छा, कुछ लोग आते नहीं कि मेरा भी वक्त आसी जिठा वेसी थिया बड़ा उन्दे नाल आने आ तकबुरा ना जुमला है ना, मेरा भी एक वक्त आवने थिया ओ वाला वक्त जेड़ा को अच्छा अच्छा वाला वक्त आ देखो आयशा सूरज जेड़ा है ना सुबह तलू थी ने ते उम्मीद दा पैगाम घिन के आंदे अंधेरे तू उजाले दा सफर है पिया। ये सूरज जड़ा है वक्त दी रफ्तार घिन के टुट दे। हुण असा ही वक्त को यूटिलाइज करने, ये वक्त को इस्तेमाल करने ही वास्ते दुनिया च सब तो ज्यादा किताबा वक्त दी मैनेजमेंट दे इन पे। तुसा अपने वक्त दा बेहतरीन इस्तेमाल किवें कर सकदे हो, इंदे ते इतने सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लखा किताबा इन पे। और दुनिया दे विच वड्डे मुल्कां दे अंदर तां वक्त दे बेहतरीन इस्तेमाल वास्ते तरबियतां दे ने, ये महारत तुसा सीखो उंदे वास्ते इदारे इन पे जिहड़े तक दस्से ने। अच्छा, हुण वक्त दे इस्तेमाल करने वास्ते ताकि कहीं वड्डे इदारे दा डिग्री होल्डर होना भी जरूरी कोई नहीं। तुसा पहले मास्टर करो ग्रेजुएट थी हो या तुसा एफए मैट्रिक करो, नहीं तुसा कहीं वड्डे इदारे तालीम हासिल करो, वड्डी यूनिवर्सिटी च पढ़ो, ये भी जरूरी। तुसा डिठे मैं अपने माशरे जेदा अपने इर्द गिर्द जेदा नजर दौड़े ना तो मैं जेदा कि बिल्कुल अनपढ़ लोग कहीं स्कूल नहीं गए, कहीं कॉलेज नहीं गए, कहीं यूनिवर्सिटी दाखिला नहीं किया, कोई वड्डा इदारा कोई, मगर वो बड़े बड़े इदारे ने मालिक इन पे, कहीं इदारे दाखिल नहीं थे और खुद इदारे ने मालिक इन पे, यानी अंगूठा छाप लोग इन पे। उन्होंने अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सीखे और जिन्हें लोगों ने भी ये महारत हासिल की थी है, वो लोग हर शोबे दे विच, कोई दुनिया का शोभा हो, खेल का शोभा हो, सेहत का शोभा हो, रोजगार का कोई भी शोभा हो, जरूरत जिंदगी के कई शोबे भी लोग हैं, वो अपने शोबे कामयाब हैं। उन्होंने वक्त की रफ्तार को समझे और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सीखे और अपनी सलाहियत को इस्तेमाल किए, तो अलहमदुल्ला हर शोबे कामयाब हैं। जरूरत इंडिया में है कि असा जरा साकू टाइम मिले, अल्लाह ने साकू वक्त दीते जिंदगी दीती है, असा अपने वक्त को जाये ना करो, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल सीखूं वाला सा कामयाब थी सकते हैं। ठीक है, अच्छा नदीम बेग साहब सारे ना रहन पे और खामोश बैठे हैं थे। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि असा स्टूडेंट की लाइफ को ही घिन घिन रहे हैं, स्टूडेंट जो फेलियर थी या नाकाम थी तो वाल उनको एहसास थी कि वो वक्त जड़ा के उनको स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एक वक्त होते थे ना, पढ़ने का भी एक वक्त है पिया, एग्जाम की तैयारी करने का वक्त, और एक एग्जाम का भी त्रै घंटे जो वक्त दिखाई शो करो कि तुसा कितने काबिल हो, जबकि मैं समझती हूँ त्रै घंटे काफ़ी नहीं होते एक बंदे की काबिलियत को जज करने वास्ते, लेकिन यह सारा एक तरीकेकार है पिया। तो क्या क्या स्टूडेंट वास्ते वक्त की कितनी अहमियत है पे, क्योंकि वे मैनेज करना चाहिए थे। हाँ जी, जैसे भी ख्वाजा साहब ने बात की कि जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, तो जो टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है इसमें हम कहते हैं कि जो मैनेजमेंट का वर्ड जहाँ भी आएगा हम कहते हैं चूज अमंग अल्टरनेटिव्स, सही कि आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत से काम है आपके पास। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है कि उसमें से पहला कौन सा काम इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको आपने टाइम देना, अल्टरनेटिव में से आपने चूज करना है कि जो मैनेजमेंट है, जाहिर है कि हम वो काम सबसे पहले करते हैं कि जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है, प्रायोरिटी प्रायोरिटी हमें सेट करनी पड़ती है। अब देखना यह कि स्टूडेंट की प्रायोरिटी क्या है, ठीक है ना, जब भी आपने स्टूडेंट के हवाले से बात की तो स्टूडेंट अपनी प्रायोरिटी को
अगर वो एक डिफाइन कर लेता है तो फिर उसके लिए काम करना बहुत आसान है. जैसे आप पेपर की बात की, पेपर में 3 आवर्स आप कहती है कम है, ओके 70-80% लोग यही कहते हैं कि कम है. हाँ. अच्छा, जो इन लोगों की प्लानिंग, जिन लोगों की तैयारी पूरी है वो कहते हैं कि बहुत टाइम है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या किया हुआ है, अपना टाइम का यूटिलाइजेशन सीखी हुई है कि हमने अपने वक्त को पेपर में कैसे डिवाइड करना है. क्वेश्चन को समझा, समझना जरूरी है ना कि मैंने क्या उसमें अपनी आउटपुट देनी है. अब मैंने क्वेश्चन समझा नहीं और मैंने लिखना शुरू कर दिया, ओह जी मैं तो उस पर अभी 2 सफे और लिख सकता था. ठीक है, अब देखना ये कि उसकी क्या, हमारे पास उसकी जो एग्जामिनर है उसकी ये आपसे ये था कि डिजायर थी कि वो आपसे यही पूछ रहा है, नहीं, जो चीज पूछ रहा है जब तक हम उसका जवाब नहीं देंगे तो तब तक सवाल जड़ा है वो सही नहीं होगा और टाइम का भी यूटिलाइजेशन जो है ज्यादा है. ठीक, अच्छा इतने गल है कि स्टूडेंट वाकई ही मैथ है समझते नहीं पे होंगे, ऐसा भी आप स्टूडेंट लाइफ है जिन लिख के पहुंचते हैं और सबू नजर आते कि वो टाइम तो खत्म थे वाले और हाली एडा सारा पेपर पे वाला सर यो रोना रोन दे हासे जो छोड़े दे हासे कहीं टाइम बाद टाइम के वो टाइम साकू घट देता गए या पेपर लेट शुरू थे थोड़े जे हीले बहाने अगर 5 मिनट भी साकू मिल बने ना तो वाला सा पता नहीं क्या कि ना क्या कर खिनो. अच्छा गल है कि एक बंदा है वो चांद ते पहुंच गए, एक बंदा है वो दुनिया दी मैराथन रेस है और वो दुनिया दे विच सारे बेहतरीन खिलाड़ी उत्थे पहुंचदे ने और एक उन्हां दा वजन भी इको जिहा होंदे, उन्हां दी स्पीड इको जिही होंदी है, उन्हां दा कद भी इको जिहा होंदे, मगर एक शख्स मैराथन रेस विच विनर थी वेंदे, यानी वो एक मिनट दे अंदर इतना ज्यादा दौड़दे कि आलमी रिकॉर्ड बन वेंदे. और एक शख्स फुटबॉल खेडदे और इतना अच्छा प्लेयर है, ग्राउंड दे चारों तरफ खेडदे और वो सब तो ज्यादा गोल करे दे और अपनी टीम को जितवा दे. और एक शख्स है कि वो सब तो थोड़े टाइम दे अंदर सर्जरी करे दे, अपेंडिक्स ऑपरेशन है, कोई भी जनरल सर्जरी है, वो बहुत थोड़े टाइम में कामयाब सर्जरी करे दे. इमें एक शख्स है वो गाना गांदे और वो इतना गाना गांदे कि उनकी स्पीड से कोई शख्स गा भी नहीं सकता और सुबह तो शाम तक गांदे, रात तो सुबह तक गांदे, उनका स्टैमिना है. ये चीजा सारे ना वक्त नाल जुड़े हैं. असा वक्त तो जुदा नहीं थी सकते, वक्त तो अलग नहीं थी सकते, वक्त तो वखरे नहीं थी सकते. असा वक्त नाल जुड़े लोग हैं, सब को अल्लाह ने इको जीती वक्त नहीं दिता. कहीं दी उम्र 40 साल है, कोई पैदा थींदे मर वेंदे, कोई 60 साल का ठीक है मर सकते, कोई 100 साल का थींदे. साने मुल्क इधर 100 साल का रिवाज कोई नहीं, तो 50 तो 60 साल, 30 तो 40 साल लोग ज्यादातर अबाद का. मैं पढ़ता बैठा कि पाकिस्तान 60% लोग 40 साल की उम्र तक फौत ही औसत उम्र घटते हुए, जबकि दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं जिन्होंने अपनी सेहत का और अपने वक्त का सही इस्तेमाल किए, वो लोग 108 साल 110 साल 115 साल वो तो 100 साल को मामूली गाल है. इसका आखना यह चाहना कि वक्त अल्लाह की तरफों अता करदा नेमत सब तो बड़ी नेमत है. एक मोमिन होवे या गैर मुस्लिम होवे, एक मुस्लिम होवे, उन्होंने दरमियान अल्लाह ने कोई तकसीम नहीं रखी कि वो वक्त जिना भी शख्स वक्त का इस्तेमाल से गिन सी, वक्त को यूटिलाइज करे सी, वो शख्स कामयाब थी वे सी. हुन असा इत्था गलती ये करे रहे कि असा ज्यादा वक्त अपना फजूल कमाए जाया करे वेले ना मिनट का टाइम कोई नहीं टके दी आमदनी कोई. हाँ, जनाब हाजी साहब को, मियां साहब को, मलिक साहब को टाइम बिल्कुल कोई नहीं. हाँ. पैसे जेब में पैसे भी कोई नहीं. हाँ, ही वास्ते ने मिनट दा टाइम नहीं टके दी आंदे नहीं. गल है कि आप को अपना वक्त जाया नहीं करना. और जिमे इन्होंने फरमाया दुनिया दो तरह के काम होने, एक अर्जेंट एमरजेंसी बेस से, एक इंपॉर्टेंट. तुसा इंदी तकसीम ही तरह करनी है, अर्जेंट काम को पहले करना है और इंपॉर्टेंट काम को पाइपलाइन में रखना है, उसको छोड़ना नहीं, उसको नजरअंदाज नहीं करना. और असा एक बया मैं रिसर्च पढ़ता बैठा, पाकिस्तान के ज्यादातर लोग एक तो फजूल कम टाइम जा, दूसरा सब तो ज्यादा कम जो करना वो टीवी देते रहना और अपना वक्त तक टीवी स्क्रीन, यानी कि वो टाइम तो बेनियाज थी कि वक्त तो मसरूफियात छोड़ के. एक टाइम है, साइंटिस्ट भी आधन थे जो कि ऐसा गाल करने के बच्चे दे आंखें खराब थी दे पेन थे या भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो कंप्यूटर दे को बैठे टीवी दे को बैठे. और हुन तो अल्लाह पाक ने ना पाकिस्तान दे 16 करोड़ लोग मोबाइल इस्तेमाल करें, 16 करोड़ लोग. और मैं अक्सर नौजवानों को भी, बालों को भी, वड्या को भी एडिट है कि अपने दीन का कीमती तरीन वक्त मोबाइल ते जाया कर देना. ठीक, स्क्रीनिंग ठीक,
مزید گفتگو کرے سوں اور ایک میرا جڑا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ کام دی زیادتی دا رونا رونے اور وقت دی کمی دا رونا رونے تھے. اے بڑا خوبصورت سوال بھی ہے اور یقین ہے تو سب ہوں اچھا گفتگو بھی کر سکتے ہو. جنال ہی ناظرین چلتے ہیں چھوٹی سی بریک تے کہتے ہیں نویس سارے ناظرین. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. درسو تک اس سویل دے رہے اور جی بالکل ان ٹائم سنل ایک بیگ گیسٹ آ چکے تھے تارے پسندیدہ سنگر ہن پہ اور انہاں دی جڑی آواز ہے منفرد آواز ہے وہ گھٹ لوگ ہونے جڑے کہ منفرد آواز رکھے تھے اور منفرد انداز بھی ہے. ندا شازیب سراکا ہیں سنال, گڈ مارننگ جی آنک اور خوش آمدید. رونا روندے رہنے تھے کہ سارے کول کام بہت زیادہ ہے اور وقت بہت شارٹ ہے, 24 گھنٹے ہیں اور ان کو ود نہیں سکتے اور نہ ہی گھٹ سکتے تھے. ول اسا کیوں رونے ہیں تاہوڑی تھا ورک مینجمنٹ ہے تا چائے مینجمنٹ میں گال نہیں کرے دی بھائی ورک مینج نہیں کر سکتے پہ ہوندے ریزن کیا ہے؟ اصل وچ اس وچ بڑا ضروری ہے ٹائم مینجمنٹ دے اندر وقت دی منصوبہ ساز بندی دے اندر وقت دی تنظیم بناونے چ کہ تسا پہلے نہ اہم کم ترتیب لاؤ. اہم کم کیڑے ہیں؟ ٹھیک ہے, بل غیر ضروری کم نہیں, تھوڑے ضروری کم بل غیر ضروری کام. تھیندا اے ہے کہ اساں ایک بہت بڑی غلطی جڑی سارے معاشرے وچ لوگوں کو دیندی ہے او چیزاں کو ریٹن شیپ وچ نہیں کھن کے آندے, لکھ دے کوئی نہیں, وہ عادت کیا نہیں نا سارے او اودے وچ اگر ٹائم مینجمنٹ سیکھنے ہے, وقت دی تقسیم سیکھنی ہے, وقت دی منصوبہ بندی سیکھنی ہے, اون دے واسطے پلاننگ بڑی ضروری ہے, چیزاں کو لکھنا بڑا ضروری ہے اور اون دی پرائیورٹی لینا ضروری ہے کہ اہم کیڑے ہیں ضروری کیڑے. مثلا میں مثال لینا تاکو کہ بعض اوقات نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, نماز دا ٹائم تھی کہ ہنے پڑھتا, زور دا ٹائم ہے اور اسا کہ میں ہنے ایک کم کر گینا نا مقام ول پہ پڑھتا, میں ایک کم مقا گینا تو ول پڑھتا اور یہ چیزیں کہ اثر دا ٹائم تھی اور نماز دا وقت ول نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, جی میں کہنا گیا وقت گزرا وقت ول واپس نہیں آتا, ایک ایسی شے ہے ول واپس, جی جوانی گزری نہیں آتی, بچپن گزرا نہیں آتا, وقت بھی عہد سارے وقت دین پہ جمع بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا جی چیز ایک دفعہ گزر گنے والے واپس نہیں آ رہی. ہوں تو زہر کا ٹائم واپس گن کے نہیں آ سکتے, تب ہلکے جہاں ٹونسلس پرابلم تھے, تب گلا تھے خراش تھی پی ہے, چھینکاں آدھے پہن, تب محسوس تھی میرے کو زکام نزلہ اور ہلکا ہلکا بخار تھی پہ. اچھا میں ایک کم مکا گی نا ول دبا گی نا, ایک کم پورا کر گی نا میں ول دبا گی, ہوں بڑا اہم اور ارجنٹ بیسس سے جڑا کم کرنا یہ اپنی دوا گھنا ہے صحت پیاری پیارے. ٹھیک ہے, ہن اسا کہ کیتے کم کوں اور کم بھی اتنا ضروری کرنا ہے. ہاں یعنی اگر میں کرکٹ کھیڈن دا پیا میں کہ اچھا میں کھیڈ کے ول ویسا ول, ہوں تو بعد میں کہ اچھا میں ٹی وی تے میچ دے گنا ول ویسا ول, ٹی وی تے میچ ختم تے تے ول کوئی کنسرٹ شروع تھی کہ میوزیکل, میں کہ اچھا اے دے گنا ول ویسا, او میں وقت ضائع کر دیتا. میں تو اگلے نہیں میرے کو 104 بخاری میں منجی تو تلے نہ لا سکدا, چار پائی تو بیٹھ تو تلے نہ سکدا, اور میں ہن میں کوئی بندہ ہیلپر کوئی نہیں جڑا میرے کو ڈاکٹر تک گن کوئی نہیں, کل میں خود ڈاکٹر کو بن سکدا نہیں. ایویں ہی تسا آدھے ہو کہ میں ٹرین دا ٹکٹ ہے پیا میں ہنے نکلتا, اور جی لوگ تب پہنچتے ہو لیٹ پہنچتے ہو, اگر دیر نکلتے ہو اور بل تھوڑی سواری پیٹرول ختم تھی گئے, اگر ٹریفک دا رش ملے تو اتنا پہنچو ٹرین نکل گئی ہے بس نکل گئی ہے اور تو سب پچھتا نکلو. وقت دا صحیح استعمال ہے کہ این وقت میں کو کیا کرنا چاہیے. اساں لوگ جڑے صبح اٹھ کے اپنے دین دے کم دی روٹین کو ریٹن شیپ وچ گنانے تحریر وچ گنانے مطلب سارے واسطے کم کرنا آسان تھی. اچھا یہ صرف سارے پاکستان وچ ہے, اگر آؤٹ آف کنٹری دی گل کریں تو تے کہ مدر جڑی ہے ماں جڑی ہے گھر وچ یا ہاؤس وائف جڑی ہے او وی لکھدی اپنے کم کہ اج دے دن وچ میں کیا کیا کرنا, ایک نوٹ ہوندے نوٹ بک جی کو آدن ایک نوٹ ٹائپ دا اکثر فرج تے دیوار اوتے چپسا کر دیتا وندے یا کاپی دے اوتے یا کتاب اوتے رکھ دیتا وندے کہ اج دے دن جڑے میں اے اے کم کرنے, یعنی کہ کپڑے واش کرنے تھے, بچے دے فلاں فلاں کام کرنے تھے, اور پہلی پیورٹی میری کیڑی ہے کھانا بناونے, اور ایتھے بہت دفعہ ایویں تھیندے اسا بہت سارے بہت سارے کام کر گئے نے جے بچے آنے ماما کھانا او ہو میں تو بنایا نہیں ٹائم نہیں تھا بچہ میرے پاس, یا اب میاں آ گیا بالکل تو ٹائم ہی نہیں اور رہ گئے تھے. اچھا میں اندر بعد ایک ٹینشن علیحدہ ایک پریشانی علیحدہ اور جڑے گھر چ ماحول وچ کشیدگی آندی ہو وہ علیحدہ ہوندی ہے, یعنی کہ بہت سارے کم کرنے نہ سا نہ منے نہیں ہاں, بہت سارے گھریلو جڑے خواتین ہیں انہوں نے بہت سارے کام کرنے, انہوں نے
लेकिन असर टाइम मैनेज नहीं करें दे पे गप्पा विच किथे टाइम किथे दोस्त दा फोन आ गया खातून को मिला वो मेरे को दसन लगी कि मैं फैसलाबाद एक सेमिनार विच गया वो खातून मेरे को दसन लगी कि जेड़े वेले मेरे बच्चे ना घरों बाहर वेने स्कूल मदरसा अकेडमी तां मैं घर ते कम करनी आ सही यानी कि मेरे को उन्हें हैरान किया कि वो कपड़े भी जेड़े धोंदी है वॉश करेंगी हफ्ते जेके दो दफा और रात को उंगले करेंगे जेले बच्चे साम बोने सही अगर नी को लोड शेडिंग होती है मैं रात को काम करके नहीं अच्छा भाई हैरान अंगेज गाल हैरत अंगेज गाल जेली मेरे को बड़ी अजीब लगी कि जेड़े बच्चे घर आवे ने मैं सिर्फ उन्हें को तवज्जो दे दी यूनिफॉर्म चेंज करवाने उन्हें यूनिफॉर्म सही प्लेस से रखने शू रह के रखने टाई बैज और चीजें अलग रखने और उन्हें हाथ धुआने उन्हें कुली का छोटे छोटे बालों को असल दे विच ना तरबियत इब्तदा घर तो थी नहीं है अगर माँ समझदार होवे सुलझी होवे टाइम मैनेजमेंट जान दी होवे और अहम कम और गैर अहम कम दे दरमियान तकसीम करना जान दी होवे और मैं तोरी गाल को सेकंड करे सा वाकईतन साडे मामा जड़े हैं और रात को समझे वेले अगले दिन दी प्लानिंग करके समझे ही वास्ते माहरी ने आदन कि जब तुसा रात को ना बिल्कुल कल्ले होंदे हो तो तुसा चाहो ता अपनी नींद का एहतसाब कर गिनो कि आज मेरे को केड़े केड़े गलते थे केड़े केड़े कुत्ते थे और अगले दिन की प्लानिंग करके सब ता तो तुम्हारी जिंदगी बड़ी कामयाब थी आज तुसा देखो अफसुर्दगी है मायूसी है डिप्रेशन है एहसास कमतरी है क्यों है पा सारे मुंह ते शिकवा क्यों है सारे मुंह ते गिला क्यों है असा क्यों माशरे की शिकायत करने हैं उस वालदैन की शिकायत करने हैं जेडे इदारे काम करने हैं उनके बॉस की शिकायत करने उनकी वजह ही हो कि असा खुद कुता अंदेश है असा खुद गलतियां करने हैं असा अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और गैर अहम और अहम कामों की तरतीब नहीं बना पाते उन्हें को रिटर्न छे पेज लिख दे असा वाल अफसुरदा मायूस नजर आने हर एक दे नाल क्या आपसे हवाले नाल दीप बेग साहब जी जो ऑफिसेस के अंदर और स्पेशली जो घर की बात की आपने घर में देखे ना खवातीन जो मैंने कुछ खवातीन को देखा है वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा इंटरेक्शन होता है फ्रिज के साथ तो वो फ्रिज के ऊपर ही उन्होंने छोटी छोटी ना चिट्स लगा देते हैं उस पे कि ये काम करने अब वो थोड़ी देर के बाद देखिए तो उनके चैनल में ओह ये काम रहता है तो बेसिकली वो जो नोटिंग करने वाला पॉइंट जो भी आपने उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट काम करने इस तरह करने इसी तरह सेम ऑफिस के अंदर भी होता है कि आप आए आपने मेल्स पढ़ी आपने देखा कि इसमें से कौन सी मेल का जवाब मुझे अभी देना है कौन सी ऐसी है कि जिसको मुझे कल देना है अगर आप उसको थोड़ा सा प्लान कर लें तो वो टाइम मुश्किल नहीं होता इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आजकल फोकस है वो है HSE के ऊपर हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट पे सही कहते हैं हेल्थ पे बहुत बड़ा फोकस है अच्छा अब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिस्टम बनाया है कि जी अगर आप एक घंटा कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो एक घंटे के बाद आपने कुछ एक्सरसाइजेस वो आपको सजेस्ट करते हैं सही कि आप कुछ देर के लिए इसको बंद करके बैठ जाएं सीधे बैठ जाएं हाथ ऊपर करें और आंखें थोड़ी देर बंद कर लें दाएं तरफ करें बाएं तरफ करें तो बेसिकली वो जो आपने जो एक घंटा जो आपके ऊपर बर्डन आया है काम करने प्रेशर जो है प्रेशर, वो आप 3 से 4 मिनट की एक्सरसाइज के अंदर आप उस प्रेशर को क्या कर जाते हैं रिलीज जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है तो वो जो बर्डन जो आपके माइंड में होता है कि ये बर्डन आया मेरे पे वो बर्डन भी कम होना शुरू हो जाता है तो बेसिकली इट्स अ मैनेजमेंट कि आप चीजों को प्रायोरिटी के हिसाब से करें हेल्थ फोकस जरूर हो हेल्दी डाइट भी लें लाइट सी जो भी आप ड्यूरिंग वर्क बहुत बाज़ूकात आप ऐसा खाना खाते हैं कि आपको जो है ना जैसे कहते हैं जमाइयां भी आनी शुरू हो जाती हैं ऊँगना शुरू हो जाते हैं लेजीनेस तो ऐसी डाइट लें जो आपको चुस्त रखे ड्रेस ऐसा हो जो आपको चुस्त रखे जितना आपका ड्रेस जो है वो बहुत ज्यादा लूज होता है तो उतना ही आप रिलैक्स होते हैं आप देखते हैं कि ऑफिस के अंदर बकायदा वो जो फॉर्मल ड्रेसिंग क्यों करवाई जाती है कि फॉर्मल ड्रेस आपको चुस्त रखता है मुस्तैद रखता है आप काम की तरफ जाते हैं बड़ी सीधी सी बात टाइम मैनेज करना है अब जैसे आप छोटे से अगर हम इसको गेम्स की तरफ ले जाएं अभी पिछले दिनों जो मैच हुआ है मैच को देख लें इट्स अ टाइम मैनेजमेंट अगर आप देखें जी जी हर मैच में हर मैच में देखें टाइम मैनेजमेंट है उसकी तो बात ही ना करें ना नहीं होनी चाहिए बात देखिए होता यह है कि अगर मेरे गेस्ट आए और उन्होंने स्पेशल आके आयशा प्लीज हमारे दुखती रग पे हाथ नहीं रखना इस पे बात नहीं करना मैं अच्छा जी नहीं करें असल में जब तक आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट में क्या सीखा हमारी टीम ने चले आज एक जनरल सी डिस्कशन करते हैं मैं तो टीम की बात ही नहीं कर रहा मैं तो कह रहा हूँ कि उस मैच से आप पूरी कॉम को मैसेज मिलता है कि आपने तैयारी क्या की आपने अपने अपोनेंट को क्या देखा इतने सालों में क्या किया
ਇਥੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੀ ਕਰੀ ਕੇ ਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਅੱਗੂ ਪਿੱਛੂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਗਿਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਵਜੂਦ ਕੌਮ ਹੈ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੋ ਮਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇੜਾ ਥੀ ਛੁੱਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਨਾਲ ਜੇ ਚਲਦੇ ਪਏ ਛੁੱਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੁਸਤ ਵਜੂਦ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਅਸਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਗਿਨਣ ਨਾਲ ਜੇ ਚਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੇ ਸੁਸਤ ਨਾ वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद तक सुबह को सवेर दे रहेंगे और चल सूँ बिल्कुल शाजिब सराको को गीत सुनना चाहूँ वक्त दो ही गुजरे हैं कठन हम पर
एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। वाह जी वाह, आवन को पहले भी और वनन दे बाद ही, कैसे लाभ एक इंतजार है और एक फिर जब चला जाए तो फिर उसकी आमद दोबारा आमद के लिए भी बंदा परेशान होता है। ये भी तो कहते हैं ना, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं। वक्त बड़ी नहीं मदद सर, वक्त बड़ी नहीं। और मैं पहले होने तक वादा प्याम कि ऐसा सुस्त वजूद कौम है और बल्कि अगर ऐसा क्रिकेट दे वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते तो ऐसा काहली दे सुस्ती दे वर्ल्ड चैंपियन है। और सदा जड़ा शुमार है दुनिया के उन कौम के अंदर है जो वक्त जाय करना रहे। असा अगर वक्त की तंजीम साजी से गिनू, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर लो, असा भी वे कौम शुमार थी। सही, सदा कैप्टन हुबासिया घिंदा पे। और अच्छा एक बड़ी खूबसूरत गाल मेरे अचानक जहन चाहिए कि किसान जड़ा है ना फार्मर वो अपना वक्त जाया नहीं करेगा। बिल्कुल वो नहीं वक्त जाया करेगा। वक्त जिम्मे इशफाक साहब लिखे, इशफाक साहब लिखे कि मैं कहीं गाँव चम तो 14 अगस्त आ गया, 14 अगस्त आ गया तो असा सोचा भी था असा आए हैं कोई रिकॉर्डिंग दे सिलसिले ते असा आजादी दा दिन मनाने हैं, कोई जश्न आजादी मनाने हैं। तदन मैं सोचा भी इतों के लोगों को इकट्ठा करो, इतों के मकामी लोग इन्हें इकट्ठा करे उन्होंने कहते असा आजादी दा दिन मना। तो मेरी नज़र एक बुजुर्ग से पई जो खेत के हल चलेना पाया, कुदाल उन्हें हाथ च आई कितों कितों खुदाई भी करेंदा कढ़ाई। वो कहा आओ बाबा जी 14 अगस्त का दिन आजादी का दिन मनाने हैं। उन्हें आखा मेरे को टाइम कोई नहीं भाई, मैं ही कौम वास्ते फसल तैयार करना पा, मैं इको देर कर गई थी तो फसल बर्बाद की वैसी। ए वक्त ए बीज फल कहना कहना सी, ए पौधा कहना बने सी, ए दरख्त ना बन सी, तो मैं ही वास्ते अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। असा हुण इत्थों अंदाजा लाऊं कि किसान अपना वक्त नहीं जाया करना। रोजो शब्द का जितना हिसाब, मौसम का जितना हिसाब, एक अनपढ़ किसान को है, एक पढ़े लिखे शख्स को है। एहसास कहनी मैं यकीन करे सो बस स्टेशन ते, रेलवे स्टेशन ते, एयरपोर्ट ते, मैं निदान लोग देर ना लाए खड़े लड़ते खड़े रहे। वो रास्ते में ट्रैफिक रश था, वो ये था, वो ये था। भाई तू अगर जितना पहुंचने उतना घंटा पहले पहुंच बने, आधा घंटा पहले देखो ये बहस तू बच बने, मगर वो आपको ठीक आधा पे आंदे। एक बहुत मजा धोखा है जरा साइक बेकू लेने अपने आप को लेने, वो ऐसा समझते मैं ठीक हाँ दूजे गलत कर ले। एक ऐसा धोखा है प्या जेड़ा इंसान को सारी उम्र नाकामी दे घड़े सटे न रहा, इंसान को पता नहीं चलता। और धोखे को ना एक खूबसूरत चॉकलेट समझ के, एक अच्छी आइसक्रीम समझ के, एक जूस का अच्छा फ्लेवर समझ के पींदा पे आंदे, और जबकि वो पिछू बहना पे आंदे, अगला सफर नहीं होंगे। जिंदगी अगू की जानब सफर का ना है, वक्त अपने आप को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करन दा ना है। वक्त चोट ना लाई तुसा, वक्त तुसा कदम ना चाहता तो तुसा पिछू रह बैसो। असल चीज ये है कि असा एक सूरज है ब्या, मैं तो एक खूबसूरत गल है ना, असल तू जन तू अल्लाह ने तखलीक की तो उसी अपने सफर ते जारी है ब्या। एक तरतीब बनाई अल्लाह ने, एक डिसिप्लिन बनाए, जमीन की गर्दिश, सूरज का तुलू थीवना वल उंदा मूव करना, चांद का निकलना, तारे का चमकना, ये अल्लाह दी ने वक्त की तंजीम बनाई है। वक्त जड़ा है और सूरज नाल चल दे और सूरज नाल खत्म थी। जिंदगी दी तरतीब ही इवें होनी चाहिए, इन्हें ठहराव नहीं होना चाहिए। तुसा देखो करें सूरज ने आके अल्लाह मियाँ आज दा नहीं मेरे को छुट्टी दे रहे हो, मेरे को पिछू शादी है, या मैं बीमार हाँ, या मेरे को नहीं। जेडे लोग कामयाब लोग इन पे, मैं तुसा हैरान थी सो, मैं कामयाब लोगों की कहानियां पढ़ता बैठा, उन्हें मैं 100 कामयाब लोगों की कहानी पढ़ी है। वो उन्हें जो टॉप जेड़े लोग हैं डाह वो ही हैं जेड़े अपने वक्त का सही इस्तेमाल जान गए। एक महारत है भी, ये महारत को हासिल करना चाहिए। अज तुसा देखो कि असा छुट्टियां करने वाले, कहीं की शादी होनी है असं त्रै दिन दफ्तर से छुट्टी कर गए। अच्छा बीमार कोई होंगे असा उदी आदत के बहाने छुट्टी कर गए। जिम्मे बाल बचपन तू स्कूल वेंदे और आदे के उस्ताद को एक मेरे को लतीफा याद आ गए कि एक बंदा स्कूल आंदे बुजुर्ग जड़ा है वो पूछे मेरा पोता कितने, उन्हें कहा तो अपने दादे की फौत कितने गया है, मैं दादा तो मैं खड़ा था। यानी कि ऐसा बहानेबाज चीजा को टालन आले। अच्छा सर, अच्छा कितना ही तो ऐसा बहानेबाज है तो सादे पे हो कि दोस्त की शादी है, लेकिन कितना ही सा कोई लगता है कि सारी जात वास्ते जैसा जात ना बहुत सारे लोग वाबस्ता है तो चुसा मने दे हो, सारे घर वाले भी हैं पे, सारे दोस्त अहबाब भी हैं, उन्हें वास्ते भी वक्त कटना बहुत ही जरूरी है जी। नहीं तो ऐसा तो आपको कल ही नजर आ सू
अज का जो माहौल है तनहाई क्यों है, इतने सारे मजमे में भी साधे कि मैं तनहा हाँ, मैं कल्ला हाँ या मैं कली हाँ, ऐसा फील करने पे होने घर इतने सारे लोग होने और उन्हें बाद सारा रोना ये होने कि मैं हाय अल्लाह तनहाई का शिकार, मैं डिप्रेशन का शिकार थी गई हूँ, मैं फला फला थी गई हूँ। अपना जरा वक्त है अपने वास्ते मैं आखसा एक तक काम वाले थी गया ना काम को हट के गाल करे समय थोड़ा कुछ लोगों वास्ते भी सारे को वक्त होने थे कुछ अपने वास्ते भी वक्त होना चाहिए अपनी सोच अपनी परख वास्ते भी वक्त होना चाहिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये सवाल है मैं आदा ना कि कई को समझ ना आसे कि मेरे वास्ते मेरे को वक्त क्यों चाहिए थे मेरे को अपनी जात को समझने वास्ते एक वक्त चाहिए। अच्छा मैं जैसे ना मैं आदा ना कि ऐसा सबको तो मिलते हैं आपको नहीं मिलते आपको नहीं मिलते मेरे को अपने वास्ते भी वक्त देखो जब ले तुसा वक्त की तकसीम से गिनते ना हां तुसा काम दा टाइम हां ठीक है तफरी दा टाइम ठीक। अच्छा तो गाल करे बिल्कुल इन चीजों वास्ते सा टाइम नहीं कढेंदे अगर काम है तो सिर्फ काम करेंदे पे है तफरी वास्ते बहुत घट टाइम है अपनी जात वास्ते टाइम कहने तो गाल करे सो ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद असतक सवेल रंगे और मेरे जनाब जी बहु ही प्यारे दोस्त ने मेरा यकीनन प्रोग्राम ले दे बैठे थे अतीक भाई हैं पे भाई भी हैं पे दोस्त भी हैं। अच्छा जी उन्होंने मैसेज भेजे वक्त दे हवाले नाल मैं चाहसे कि मैं जरूर शेयर करे सा वक्त और बख्त कभी साथ नहीं चलते कभी वक्त हाथ छुड़ा लेता है तो कभी बख्त अगर इत्तफाक से दोनों मिल जाए तो इंसान की तकदीर बदल देते हैं। पहली चीज कोशिश तो पहले इरादा होंदी है इरादा बल कोशिश बल उन्दी मनसूबा बंदी जे वेले चीजा और रब एक पेज ते आवणे वल बंदे दा बख्त जाग बंदे मैं आदो ना कि मेहनत और मुकद्दर मिल वनन तब बंदे दा बख्त जाग बंदे नसीब जाग पंदे ही वास्ते अल्लाह पाक भी ना कहीं दी मेहनत को जाया नहीं करेंदे। अल्लाह पाक कुरान पाक के फरमान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अच्छा कोशिश अखलास नाल की जीवन है पूरी दिल जमी नाल की जीवन है बहु मुहब्बत नाल की जीवन है तो जिवें तुसा कई बाल को डिठो सी ਉਹ ਹਾਲੀ ਭਾਂਬਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਗੁੱਠਣੇ ਦੇ ਬਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਡੇਦਾ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠੀ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁੱਝ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਲ ਉਂਗਲੀ ਥਾਮ ਗਿਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਰਤ ਵੀ इरादा शर्ते कोशिश शर्ते उनकी मनसूबाबंदी शर्ते भी ठीक है। अच्छा और अपने नाजरीन दा अपने भेणी दा भी वक्त बचे सूं और क्रिस्पी फ्राई मिसालेदार कोटिंग मिक्सिंग हर टाइम मेरे नाल है पई और मैं दास्ते वहां के सिर्फ सिर्फ तरही मिनट विच तुसा अधे घंटे विच तुसा क्रिस्पी क्रंची चिकन तैयार कर सकते हो और पाकिस्तान में जैसे लेते हैं कि क्रिस्पी क्रंची बनाने वास्ते भेणी जड़े हैं मेरे या एक बिल्कुल सब पुछदे वदे होने हैं खवातीन एक दूजे को पुछदे कि क्या टोटका है क्या इस्तेमाल करूँ और अक्सर मशरिता वेंदा प्यों देती है कि मैदा इस्तेमाल करो ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर गिनो और उन्हें बाद ढाई घंटे तकरीबन लग रहे थे डिफरेंट मिसाला जात इस्तेमाल करने पड़ रहे थे लेकिन वालवी बहर की तरह यानी कि रेस्टोरेंट की तरह क्रिस्पी चिकन जड़ी है असा सकते क्रंची चिकन फ्राई नहीं कर सकते या नहीं बना सकते तो इसके अलावा इवनिंग के टाइम अक्सर जड़े बच्चे होने थे खेल कूद के आने थे तो उन्होंने को भुख लगी होती है और वो टाइम यकीनन बच्चे जड़ा है कुछ फ्राइड स्नैक टाइप खेलना चाह रहे होने थे और अगर रेस्टोरेंट तो मंगेने हैं एक तो बाहर मंगेने हैं तो वाल टाइम लग गए थे दो घंटे त्रे घंटे और बच्चे तक पता है कि बिल्कुल इंतजार करने वाले नहीं होते तो अधे ना मैं तुले वास्ते आसान कर दी क्रिस्पी फ्राई मिसालेदार कोटिंग मिक्स ने कि तुम घर में मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची चिकन तैयार कर सकते हो। तरीकेकार बैग पे लिखो है तुसा देख सकते हो लेकिन मैं जरूर समझ दें तक दस देवा कि करना कहे त्रै स्टेप हैं जड़े तुम गिने थे उन्हें को पहले मैं दे हो तो सबको पता है मुर्गी वॉश करनी है कट लाने थे और उन्हें बाद चिकन जो टुकड़े हैं पे उन्हें को क्रिस्पी फ्राई कोटिंग है तह लावनी है और उन्हें बाद एक अमेजा तैयार करनी थी जिन्हें तुसा
चौथाई कप पानी घेरने थे या त्रै चम्मच मिसाला घेरने यानी क्रिस्पी फ्राई का मिक्स घेरने थे या मिक्सचर घेरने थे तुसा मिक्स करने और तुसा कुछ डिप करने चिकन को इंदे अंदर और उंदे बाद जड़ा थर्ड है अगर तुस चाहंदे हो मजीद पर्त होवन इंदे और क्रिस्पी क्रंची होवे तारे चिकन तो दोबारा कोटिंग विच तुसा डिप करे सो यानी कि कोट करे सो और अच्छी तरह हाथ नाल दबे सो और उन्हें बाद अगर चाहते हो कि जो मिसाला है क्योंकि हर मिसाला ऑलरेडी मौजूद है मैदा भी मौजूद है इन मिसाला भी है नमक भी हर चीज़ का कोई चीज़ लाने की जरूरत क्या नहीं तो क्या करने के फ्रिज रखने में थे तकरीबन आधा घंटा या एक घंटा ताकि अच्छी तरह जो मिसाला है रच बने और उन्हें बाद तुसा डीप फ्राई करने 8 मिनट सिर्फ 8 मिनट लग सन थे और मजेदार क्रिस्पी क्रंची चिकन तैयार थी वैसी और कई भी चीजें तो क्रंच चाहते पे हो शामी कबाब है आलू दे और चाहते क्रंची भरन तवल भी ये जरा कोटिंग है यानी क्रिस्पी फ्राई मिसालेदार कोटिंग है मिक्स सही को इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा इधर अलावा अजीनो मोटो का जरा मसाको जरा है चिकन फ्लेवर मिसाला वे इन टाइम मेरे कोल है पिया और एक साशे है पिया वैसे दो इन टाइम मेरे हाथ दो साशे हैं मैं सिंगल साशे की गाल करे सा के जो सिंगल साशे है एक साशे है दो क्यूब्स दे बराबर है इन नमक ऑलरेडी मौजूद है और इन चिकन फ्लेवर है असल चिकन दा फ्लेवर है असल चिकन की तरह ही खुशबू है और हर खाने जिन्हें चिकन इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और बच्चों की फरमाइश होंगी कि हर खाने चिकन इस्तेमाल की वे तो वल मामा वास्ते आसानी ही आसानी है। भैया क्या मंगते हो भैया आसानी ही आसानी है और चिकन घर मौजूद ना ही होवे तो चाहो कि चिकन की तरह जो है फ्लेवर महसूस करो या फील करो तो वल तुसा बिल्कुल मसाको द चिकन फ्लेवर मिसाला जरूर इस्तेमाल करे सो और तुस अगर दाल बनेंदे पे हो कई तरह की भी दाल है दाल माश है पे चना दाल है पे इन अलावा तुस कोई भी सब्जी बनेंदे पे हो मिक्स सब्जी है इन अलावा आलू की भुजिया है तो वह तुसा मज़ेदार जनाब जी मसाको का चिकन फ्लेवर मिसाला इस्तेमाल कर सकते हो। तुसा कितने खाओ पीने के शौकीन हो वैसे अच सही गल अस है ख्वाजा साहब तो भी अगर कोई नवी चीज होवे तो वाकई दिल आधा पे आंदे के खावन दा या घर विच अगर इस तरह से लताफत तो इंसान दे जे और इंसान खुश जायका और नवे नवे खाने पसंद करे। अच्छा सब्जी ज्यादा खाने थे मस्जिद दी डाले ख्वाजा मजा सदी मैं सब्जी भी खाना चिकन भी खाना मटन भी खाना हर चीज देखो जी अल्लाह ने जितने नेमते हैं इंसान वास्ते बनाए गए और इंसान को हर चीज खानी चाहिए बल्कि हम तो नवी तहकीक आई है कि सब रोज दो सब्जियां जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए और दो फल जरूर इस्तेमाल करने चाहिए और देखो मैं वाल वो गल कहसा कि वक्त और सेहत बड़े नेमता है इन्होंने इन्हें को इन्हें दी अहमियत को इन्हें दी अफादियत को इन्हें जरूरत को समझे वो लोग तरक्की कर गए और जिन्होंने वक्त और सेहत को अहमियत नहीं दी थी वो लोग पिछू चले वेन नाकामी के गड़े वेन और लोग कामयाबी का कहीं ख्वाब नहीं देख सकते। अच्छा तुरी लाइफ वाले भी शब्द में गल करे सा तुसा लोगों का हर वक्त जरा गुजरा फिर जवान बचपन की गल करे सा वाल जवानी दी यूथ दी टीनेज और वाल हुण में छोटी दी एज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रंगे चौन दिन बैक सहवले जलसा एजुकेशनिस्ट ने गल करे सा मैं इन्हें को पूछा कि बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ केड़ा है यानी कि अगर मैं गल करें हाँ कि बचपन टीनेजर वाल मिड एज मेच्योरिटी हाली जिम्मे कि चलती पई है और उनके बाद अल्लाह करे सी कि यकीन बुढ़ापा भी देख सको सा लेकिन जो त्रै दौर गुजर गए थे तो को अगर आखा वने थिया कि इन्हें जज करो और सोचो कि बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ केड़ा है जिसे तो इंजॉय भी किया सही गुजारा भी टाइम वो कड़ा टाइम है मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम वो रहा है जिसमें मेरी तरबियत हुई है सही। जो मेरा बचपन और टीनेजर वाला टाइम जो है ना इसमें बकायदा जो तरबियत हुई है उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा। अब तरबियत में हमने अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन की तरफ से असाज़ा क्राम की तरफ से हमें छोटी सी जो गाइडलाइन दी जाती थी हम उसको फॉलो करते थे। मैं 3 साल तक स्काउटिंग के अंदर घोड़ा गली मरी के पास कैंप होता है 8 दिन का कैंप होता है सही। हमने उधर भी वक्त गुजारा हुआ है स्काउटिंग की हुई है स्काउटिंग के अंदर हमने पूरा कैंप के अंदर कैसे लाइफ गुजारनी है उसमें खाना कैसे पकाना है सफाई कैसे करनी है चीज़ों को तैयार कैसे करना है फिर इंस्पेक्शन कैसे करवानी है फिर उसमें बहुत सी जो अहम जो चीज़ें होती हैं कि हमने पुल कैसे बनाना है और अगर आपके पास
फॉर एग्जाम्पल चूल्हा बनाने के लिए ईंटें नहीं हैं, तो आपने वो देखची जो है वो किस तरीके से उसको सपोर्ट करना है, वो हमने बहुत कुछ सीखा उसमें। फिर हाइकिंग, कि हमें जब हमारा एक फर्स्ट क्लास बैच होता था तीसरे साल के अंदर, उसमें तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर हाइकिंग का हमारा एक एरिया होता था कि जिसमें हमें रास्ते का नहीं पता था, हमें एक नक्शा दे दिया गया और हमने पहाड़ों के अंदर से होते हुए खास जगह पर हमने पहुंचना था, तो हम उसकी तलाश में भी, तो हमने वो वहां बहुत कुछ सीखा तरबियत। इसी तरीके से गेम्स के अंदर बड़े इन्वॉल्व रहे, यानी मैं शुरू से ही स्कूल टीम का मैं वाइस कैप्टन, कैप्टन कॉलेज के अंदर इसी तरह, यूनिवर्सिटी के अंदर भी इसी तरीके से गेम्स के अंदर, हॉकी का मैं वाइस कैप्टन कैप्टन ही रहा हूँ हमेशा टीम के अंदर, वहां से सीखा गेम्स के अंदर क्या होता है, बहुत कुछ सीखा। जो भी टाइम मैं बात कर रहा था ना कि जो क्रिकेट के अंदर टाइम, वो टाइम मैनेजमेंट ही हर गेम में इन्वॉल्व है। अच्छा, इसी तरीके से फिर डिबेट्स में उसमें इन्वॉल्व हुए। तो मैं आप छोटी सी बात बताऊं कि मैं जिस वक्त मैट्रिक के बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया, तो उस वक्त मैं टॉप 2 में था, मेरा रोल नंबर 2 था उस वक्त। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो एडमिशन तो मेरा कन्फर्म था, मैं टॉप 2 में हूँ। तो मुझसे मेरे पैनल में हमारे एक टीचर थे, उन्होंने पूछा, उसने कहा जी आप पढ़ाई में माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं और आपके इतने नंबर हैं, सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं या कोई और चीज़ें भी हैं आपको, और कोई और शौक भी है? मैंने अपनी फाइल आगे की, आप बिलीव करें उसके अंदर उस वक्त मैट्रिक में 37 सर्टिफिकेट्स थे, जिसमें स्काउटिंग और गेम्स, डिबेट्स, ड्रामा, इन तमाम चीजों के सर्टिफिकेट्स, वो मैंने उनको सामने रखा। तो मैंने वो जो तरबियत का जो एक एलिमेंट है जो शुरू से लेके, वो उसमें टाइम मैनेजमेंट अंडरस्टूड है कि हमने पढ़ाई को भी वक्त दिया, गेम्स को भी वक्त दिया, स्काउटिंग को भी वक्त दिया, डिबेट्स को भी वक्त दिया, उस चीज ने हमारी पर्सनैलिटी को जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। और फिर जब हम कॉलेज लाइफ में आए तो फिर उसी तरबियत की वजह से हमारा एटीट्यूड ये बन गया कि हमेशा लीडिंग स्टाइल के अंदर हम लीडिंग में आ गए। और आज भी जो हमारा एक ओल्ड बॉयज एसोसिएशन बनी है कॉमर्स की, तो उसका जो फर्स्ट हमने जो हमारा इजलास हुआ, तो उसमें भी लोगों ने अब उसी तरबियत का असर है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट भी उन्होंने मुझे बनाया हुआ। तो वो तरबियत में जो बात करना चाहता, टाइम में जो तरबियत का जो वक्त है, अगर उसी वक्त टाइम मैनेजमेंट सिखा दी जाए तो फिर वो आपको जिंदगी के आखिरी हिस्से तक उस चीज का फायदा होता है। तो तरबियत का बेहतर वक्त वही है जब उसको सिखाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्कूल दौर से लेकर कॉलेज दौर तक है, वहीं से सारी लर्निंग होती है। सही, तो सर क्या आपसे हवाला तो अलग केड़ा बेस्ट टाइम है जे तुसे सिखा, मेरा तुसे हुन सिखेंदे पे ओए बेस्ट टाइम है ते मैं तोरे सवाल दा जवाब इन तरह ने सा कि मेरे जेड़ा ए वक्त है मेरे कोड़ा बेस्ट टाइम इन माय लाइफ मैं आसा। मैं मेरा बचपन बहुत बेफिक्री दा आई और खेल कूद च गुजरे, और जिमें बेग साहब फरमाते पेन इवें ही असा भी वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल बचपन जी से किया, पढ़ाई को पढ़ाई का टाइम लेने से, खेल कूद का वक्त खेल कूद का वक्त होंगे, इवें यो एक्टिविटीज हैं, स्काउटिंग, डिबेटिंग, तकरीर करना, कंपेयरिंग करना, नात पढ़ना, सुबह को भी तराना पढ़ना, इकबाल की जी बच्चे की दुआ है लपे आती है दुआ बन के तो ना मेरी ये पढ़ना, बड़ा मेरा सुनहरी दौर जोड़ा आई मेरे बचपन का दौर है, बिल्कुल मेरे ख्याल हर शख्स का सुनहरी दौर होता बचपन का दौर है, और बेफिक्री का दौर होंगे, कोई परेशानी नहीं होंगी, बंदा हर तरह की फिक्र तो आजाद होंगे, और वालदेन की ताबेदारी करें असें बेड़ी बिरावान का ख्याल रखें, मैं बड़ा हम अपने बेड़ी बिरावान चू, तो मैं अगर अपने पिछू मुड़ के देखा पछतावा कोई नहीं, अफसोस कोई नहीं, खुशी महसूस थी, बल्कि मेरे दिल भी खुश थे, दिमाग भी खुश थे, और चेहरे से भी मुस्कुराहट आ बड़ा बचपन ने ना लड़कपन भी पढ़न लिखण की कोशिश गुजरे। मैं 83 पहली कहानी लिखी, 1983 मैं 5वीं पढ़ता हूँ, जल्द मैं मैट्रिक किया तो बाद में मुस्तकिल लिखा, मेरी किताबा है बालों वास्ते कहानियां लिखे मैंने, मगर मैं अपना बेहतरीन वक्त अज के वक्त को आखसा कि जल्द मैं शोर की बुलंद तरीन सतह से हाँ, मेरे को अपने नफे नुकसान का भी पता है, और मेरे को ये भी पता है मैं थोड़े वक्त हम बाकी थोड़ा वक्त रह गया ना, कि मैं थोड़े वक्त अपने छोटे छोटे ख्वाब पूरे करने और छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरे करें। मैं अल्लाह को हमेशा ज्यादा से ज्यादा मंगना होना, और अल्लाह को कुछ मंगा कि मैं इंसानियत के काम आ सकां, लोगों की जेहन साजी कर सकां, लोगों की शख्सियत साजी कर सकां, किरदार साजी कर सकां, मैं जेड़े मैदान च हूँ कदम रखे मैं लुत्फानंदोज थी ना अपने काम तो, मेरे को अपने काम नाल इश्क है, और कहीं भी काम नाल इश्क जड़ा है वो तक जरूर कामयाब कामरान करेंगे,
मेरे को अपने कम लिखण पढ़न मेरे मैं लिखता तो रहा ना मगर मेरे उस्ताद मेरे को आका के तेरे को तहरीर तू ज्यादा तकरीर का फन तेरे को ज्यादा है तू अच्छा बोल गिने तू इन कम वाले पास आ बल मैं अपने एक दू त्रै साजदा को रहनुमाई की दी कि मैं क्या कम करा तो चूंकि इन टाइम रिवाज है मोटिवेशनल स्पीकिंग का तो उन्होंने मेरे को आका जहन साजी का कम करो ठीक अच्छा हम किताब पढ़न का रिवाज कह रहे हैं ये चीजें सब बुक्स पढ़ दिया से लर्न करें दिया से हाउ टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी फ्लाफ फ्लाफ हाउ टू इम्प्रूव हाउ टू क्रिएट उम्मीद है दूर कि उफक भी ना जो रोशन सितारे देते उम्मीद का पैगाम लेने मेरा अपना जुमला है कि मायूसी मौत है भाई बिल्कुल और उम्मीद जिंदगी है भाई और मायूसी तक उन्हें मार देनी है फना कर देनी है खत्म कर देनी है उम्मीद तक जिंदा रखेंगे और साको उम्मीद दे लोग हैं उम्मीद दे मुसाफिर हैं और उम्मीद दे उत्ते ही जिंदगी गुजारना चाहने और मैं तक सच्ची गल ऐसा उम्मीद जड़ी है ना ये बंद दरवाजे खोल लेनी है मायूसी खुले दरवाजे बंद कर देनी है मैं शुरू चा कही अज अफसुरदगी परेशानी मायूसी एहसास कमतरी ये सब उन लोगों वास्ते जिन्होंने वक्त को जाये कर दिए सारे सब दे अंदर सलाहियत हिन साकु इदराक हासिल करने शौर हासिल करने कि मेरे को अल्लाह ने आखिर इवें बेकार तो नहीं भेजा एक मिट्टी का भी भाव होंगे कीमत होंगी है एक रेत है भी कीमत है कंकर है भी कीमत है असा वक्त को जाये करने वाले हैं सलाहियत का अदराक ना हासिल करने वाले अच्छा थे मेरा जहन च सवाल आता पे असा नौजवान दी ही क्यों ना गाल कर घेनो एक स्टूडेंट है उन टाइम बड़ा पढ़ता पे नंबर घेने ओके जो प्रैक्टिकल लाइफ में आते कैरियर का आगाज थे तो नाकामी फेलियर का कल ही प्रोग्राम गाल पे सामना करना पौधे अच्छा उत्थां बहुत सारे स्टूडेंट डिसहार्ड थी वन ठीक है और स्ट्रेस में चले वन थे या बाज़ टाइम वेले लोग बैठे रहने इंतजार कर रहे कि वो वक्त सही आसी तो मेरे को जॉब मिल सी ये वाला लोग हैं ना हाँ बल वो गाल मैं उन गाल को भी जरा जारी करें जेडी शुरू करें आज भी किताब पढ़ी मेरी भाई इतना नहीं पढ़ी मेरी भाई किताब दोस्ती का कल्चर परवाह नहीं चढ़ाया गया सब बाल को महंगी आइसक्रीम घेन दी है महंगा पिज्जा घेन दी थे अब बड़े होटल खाना खवा दी थे कीमती कपड़े घेन दी थे सालगिरह तक कीमती घड़ी तोहफे दे दी थी वीडियो गेम्स दे दी थी मोबाइल दे दी थे नहीं दीती तो किताब नहीं दीती एक किताब कल्चर को परवान चढ़ावन वास्ते साकू एक नवा ऐहद करना पोसी अपने बाला को किताब नाल जोड़ना पोसी नानी अम्मा दादी अम्मा नान दादा बा चचा ताया ये सब बाला को ना ईद दे उते बर्थडे दे उते किताब दा तोहफा देना शुरू कर दे यकीन करे सो किताब कल्चर परवान चढ़ा पहले यहाँ के बाला को अखा विदे पढ़ के सुनाओ साकू अखा विदे अखबार पढ़ के सुनाओ सारे घर किताब कल्चर को ना मगर हुन सामने बाला को हुन सारे घर ऐसा आखिरी नस्ल जड़ी अखबार पढ़दी पई है मेरे ख्याल अगू सारी नस्ल अखबार कहना पड़ जाए ऐसा अखबार पढ़ने वाले लोग है इवें किताब पढ़ने वाले भी कोशिश को तेज करना पोसी अगर अपने माशरे को ऐसा तालीम याफ्ता बनवाना चाहते हैं बाशऊर बनाना चाहते हैं तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं किताब नाल दोस्ती करनी पोसी दुनिया के विच अज भी हैरी पोटर का जो वे नावल आते तो तुसे यकीन कह सो रात तो लाइन लगनी शुरू थी वेंदी उत्तर एक किताब लखा की तादाद छपती है यूरोप के अंदर अमरीका के अंदर बरतानिया के अंदर सारे यहाँ 500 किताबा छपते वो भी बंदा लिखने का आप बने का बताओ तकसीम फ्री गिफ्ट देने वाले हूँ इंदी विच अगली गाल जी तुम सोने की थी मैं गुजारिश करे ना कि साकू ना अपनी जिंदगी का मकसद समझना पोसी अल्लाह ने कई शह को बेमकसद नहीं बनाया मैं हूँ दस मट्टी की भी कीमत है भी पत्थर की भी कीमत है भी इंसान तो सब तो कीमती है अशरफ अल मखलूकात है भैया इकू अपना मकसद हयात डिजाइन करना पोसी जेवले मकसद हयात बनवे सी ना बल ओ टाइम मैनेजमेंट भी सीख सी हार्ड वर्क भी करे सी कोशिश का पैमाना भी तेज करे सी जदोजहद भी करे सी अगू वसी मकसद हयात सी बहुत सारे लोगों की जिंदगी मकसद तो खाली है भाई सदा एम क्या नहीं सदा गोल क्या नहीं जितने सच चढ़ने थे तो मजीद गुफ्तगू करे सुनाजरीन वर्दी को छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सारे ना बैक नाजरीन खुश आमदीद असल तक सवेल देंगे और एक फरमाइश जनाब जी बिल्कुल ख्वाजा मदर सदीकी साहब ने की है शाहजेद को और बगैर म्यूजिक ते असना को गीत सुनना चाहते जी इन्होंने फरमाइश की है
ਮਿਲਦਾ ਏ ਪਰ ਖਿਲਦਾ ਨਵੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਏ ਪਰ ਖਿਲਦਾ ਨਵੀਂ ਮਿਲਦਾ ਏ ਪਰ ਖਿਲਦਾ ਨਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਕ ਸਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਸਾਈ ਰਹੀ ਨਾ ਕਈ ਸਿੱਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਕ ਲਿਖ ਲਿਖ ਤੇ ਬੁੜ ਮੇਰੇ ਦਾਰਮ ਅਲਾਏ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਤੇ ਵਿਕੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਕ ਸਾਕੂ ਢੋਲ ਮਨਾਵਣਾਏ ਸਾਕੂ ਯਾਰ ਮਨਾਵਣਾਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਖਟੜਾ ਚਾਵਣਾਏ ਇਹੋ ਖਟੜਾ ਚਾਵਣਾਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਜੂ ਨਿਭਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਲਾਗਿਨ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਜੂ ਨਿਭਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਲਾਗਿਨ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਜੂ ਨਿਭਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਲਾਗਿਨ ਸਾਂ ਅੱਜ ਬਖਤ ਲੜਾਵਣਾਏ ਅੱਜ ਬਖਤ ਲੜਾਵਣਾਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਖਤਰਾ ਚਾਵਣਾਏ ਇਹੋ ਖਤਰਾ ਚਾਵਣਾਏ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਏ ਬੜਾ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਢੋਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ
ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਫਰਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਨਾ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸਾਂ ਕਰੰਚੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਸ਼ਾ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰੰਚੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਟੋਟ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖਵਾਤੀਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਆ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰੰਚੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾਈ ਬਣ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਕੂਦ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਫਰਾਈਡ ਸਨੈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਯਕੀਨਨ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੇ ਥਿਆ ਦੋ ਤੋਂ ਤਰੇ ਘੰਟੇ, ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੈ ਪਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਸ਼ਾ ਆਦਿ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਫਰਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਮਿਸਾਲੇਦਾਰ ਕੋਟਿੰਗ ਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰੰਚੀ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣੂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਚਿਕਨ ਕਰੰਚੀ ਬਣਵੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬੈਗ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੋ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣੇ ਕੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਥੀ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਕੋਲ ਕਿ ਬੈਗ ਤੇ ਪੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਵਨੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਦਾਇਤ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਫਰਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਬੈਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਫਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਲਾਉਣੇ ਤੀਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਖੇਡਣੇ, ਉਹ ਅਮੇਜ਼ ਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਫਰਾਈ ਦੇ ਸੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਫਰਾਈ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਪਾਤਰ ਹੋਵਣ ਥੇ ਔਰ ਪਰਤਾ ਹੋਵਣ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰੰਚੀ ਕਰੰਚੀ ਚਿਕਨ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰੇ ਸੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਤੇਲੇ ਤਲੇ ਸੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਮਿੰਟ ਤਲੇ ਸੋ, ਔਰ ਵੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਕਰੰਚੀ ਚਿਕਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸੋ। ਅੱਛਾ ਮਸਾਕੂ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید، اکثر تک سویل دے رہے ہیں اور بریک کو پہلے میں آکھائی کہ مساکو دا چکن فلیور مسالا ضرور ٹرائی کرنے دیا، مہنگائی دا دور ہے اور ان دور ڈیلی ڈیلی مجھے نہیں پکائے بن سکتی، افورڈ نہیں کیتی بن سکتی، اور جڑے بچے نو چاہتے پے ان کے ہر کھانے چکن ہوئے مرغی ہوئے تو وال تسا کیا کرنے، یہ مسئلے دا حل آسان ہے، تسا مساکو دا چکن فلیور مسالہ استعمال کرنے تھے، چاہے دل تسا اگر آلو دی بھجیا پکیندے پے ہو یا دال چنا پکیندے پے ہو، کوئی قسم دی وی دال پکیندے پے ہو، تو ہر کھانے تسا اگر چاہتے کہ اصلی ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਖਾਣੇ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਾਕਾ ਦਾ ਚਿਕਨ ਫਲੇਵਰ ਮਿਸਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਸ਼ੇ 2 ਕਿਊਬਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਲਸਾਂ ਔਰ ਖਾਜਾ ਮਜ਼ਹਰ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਔਰ
वक्त की गाल कर दे पे और वक्त को आदन एक वसी अल्फाज है वक्त मेरे हाल थोड़े सा गाल दी वक्त जो खत्म थिना वे प्रोग्राम वक्त सह हरफी लफ्ज है ना हाँ, वक्त हां ठीक है मैं कोई इंसान के अस अक्सर सुनने हैं कोटेशंस भी होने थे के जड़ा अच्छा वक्त थे और जड़ा है उमले बहुत सारे लोग सारे नाल होने थे और जड़ा बुरा वक्त है उसको सिखेंदा पे आने थे उमले बहुत सारे लोग सारा साथ छोड़ देने थे एक क्या है मतलब वक्त नाल दा क्या ताल्लुक है थिया इस सारे ताल्लुकात दा रवैये दे नाल वक्त नाल क्या ताल्लुक है थिया मैं जानना चाहता आयशा एक जुमला तो सब पढ़ा उसी कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से आती है सही ऐसा जो सुचेने हैं मैं अक्सर आदा ना कि सब को अपनी सोचन दा भी एक माली रखना चाहिए ठीक है जी मैं ऐसा एक बाग दा माली रखे ने ना कि अच्छे फूल खूबसूरत फूल अनमोल फूल सारे बाग गुलशन खिलन गुलिस्तान खिलन सारे गार्डन खूबसूरती इजाफा करें इन्हें ही जिमें बाग दा माली है सारी सोचा दा भी माली होनी चाहिए असा सोचा दे हवाले नाल ना नेगेटिव ज्यादा है मनफी ज्यादा है पॉजिटिव का नहीं दुनिया दे विच अगर मेकू इख्तियार दिता वने तो मैं सब तो पहला काम जड़ा करा वो लोगों ने ना मनफी सोचा खुरच देवा मनफी सोच ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹੋ ਬਹਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਫੀ ਸੁਝਣੇ ਆ ਉਹ ਮਨਫੀ ਥਿਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਵੇ ਅਸਾਂ ਅੱਛਾ ਸੁਝਣੇ ਅੱਛਾ ਥਿਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇ ਆ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਆਦਨ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਸੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲਾਤ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਸੋ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ छोटा छोटा समझो छोटे छोटे लक्षण ठीक है बड़े बड़े समझो तो बड़े बड़े लक्षण ठीक है सारे दिमाग दे अंदर जड़ी अल्लाह ने स्पेस रखी है वो अल्लाह ये चाहते है कि बंदा पॉजिटिव होवे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर च गए और आपने नीचे के दीवार दे विच एक छोटे सुराख है पया तो साहबी रसूल को पूछे के ये क्यों वास्ते है पया उन्हें कहा जी ये हवा और रोशनी वास्ते तो आपने फरमाया क्या ही अच्छा होंदा तू सोचेना अगर ये सोचेना कि तू अजान दी आवाज आसी ठीक मकसद रोशनी और हवा नाल आ भी आवे यह मसबत सोच असा मसबत सोच तू दूर थी वे मनफी सोचने करीब थे वे जब अस मसबत सोच आसू ना वल अस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल भी कर सो और वल अस आखसू साडे ते अच्छा वक्त आए खुशगवार वक्त आए खूबसूरत वक्त आए कीमती वक्त आए और यह सारे सुधार वास्ते वक्त है अस जिस वे अपना सुधार आले पासे आसू ना बेहतरी आले पासे आसू अपनी इस्लाह आले पासे आसू ताकू हर शय खूबसूरत लगसी ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਐਨਕ ਪਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਅਸਾਂ ਵਕਤ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜਗਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਊਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਊਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਅੱਛਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਬ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਟੀ ਤੇ ਚੜਸਾ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸਰ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਸਾ ਉਹ ਫਸਟ ਆਵੇਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾ ਗਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ 5 ਗੋਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ 'ਚ ਮੈਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗਿਨ ਸਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੋਚੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਬ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਬ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਲਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਖਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਬ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਬ ਦਿਖਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਸਾਂ ਕਮ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਈ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਸਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੂੰ ਜੀ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਗਏ ਤੋ ਵਕਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਮਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ ਸੀ ਆਦਨ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਵੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਥੇ ਯਾਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਥੀਵਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਮਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਥਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੁਝ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ
جنگ دا میدان ہوے یا کھیل دا میدان مخالف کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے جنگ دی تیاری میں یاد رکھے ایک جملہ ہے تاریخی جملہ ہے جنگ دی تیاری حالت امن وچ ہوندی ہے اسا پہلے سوتے رہنے جڑے سر تے آپ ہوندی والا سب بھجدے ہیں یعنی کہ تساں دیکھو کہ میں کراچی ونے ہن جڑے این ٹرین دا ٹائم تھا نا میں بیگ بدھنا کنا میں بیگ ایک رات پہلے بدھنا ائی ہن جڑے سٹیشن تے پہنچے ہیں اوتھے بندے چادر نہیں جاتی تکیا نہیں جاتا او ہو شامی کباب نہیں تیار کیتے اچھا مل نہ ہن والا اپنے آپ کو نہ الزام دسو ارد گرد دے ماحول کو لوگوں کو گھر دے افراد کو الزام نہ جو جڑے لوگ بھی تیاری نہیں کریں دے جڑے لوگ بھی تیار نہیں رہندے او لوگ وال وقت دا گلا کرن وہ بھی وقت نہ مل سکیا وقت تھوڑا ہائی مصروفیات زیادہ او لوگ ناکام رہن چاہیے اے کہ اسا مین جڑی چیز تے فوکس ہونا چاہیدا ہے معذرت دے نال سارے کھلاڑی نے اون چیز تے فوکس نہیں کیتا بالکل ٹھیک ہے گول زندگی بھی اسا ہی نے جڑا گول ہے کیویں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں اپ جو اس پوری اب گفتگو کا جو مقصد سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اچھے وقت کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے جو شاعر نے کہا نا کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب وقت اچھا آئے گا تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وقت آٹومیٹکلی اچھا آئے گا ہم اچھے وقت کے لیے جب تک اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اچھا وقت تیری جیت ہے تیری کامیابی نہ ریلیٹڈ ہے اچھا وقت تھنک وہ آتا ہے نا تیری جیت تیری کامیابی خوش تھی وانا سوچ سمجھ کے لکھا کہ یہ وقت نہیں رہے گا یہ وقت نہیں رہے گا اگر کہیں دے ٹی وی تے شو دے دے برا وقت آیا ہے مشکل وقت آیا ہے تکلیف دے وقت آیا ہے مسائل گھرن تے وقت نہ راسی اچھا وقت آسی ہمیشہ اچھا وقت آسی اچھے وقت دی امید تے چراغ جلاونے چاہیے اور ایویں اگر اچھا وقت تے ایویں ہمیشہ کہنا راسی ہاں برے وقت واسطے بھی تیار رہنا وقت واسطے بھی تیار رکھنا چاہیے جی آتا ہے نا کچھ بچت کرنی چاہیے کچھ سیفٹی کرنی چاہیے کچھ وہ ہی گل ہو دیتی ہے کہ برا وقت واسطے بھی تیار رہو اور اچھا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہندا اور اچھا وقت جڑا ہے برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہندا یہ چیزاں جڑے ہیں درست تو سفر میں پیو چاہیے ہے میں تو پھر گزارش کراں بھائی سارے کل جڑے کامیابی ملدی ہے خوشی ملدی ہے کوئی نتیجہ اچھا نکل دے تے اساں کو دا کریڈٹ آپ کو لینے ٹھیک جی ویلے برا نتیجہ نکل دے کوئی غلطی تھی جائے تو اندر نتیجہ اللہ دے ساڈے نہ اللہ کو یہ منظور ہے نہیں 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 تو سونے آکے کہ برا وقت نہ ساری اپنی حد دی کمائی ہے بھائی اللہ پاک فرمائے قرآن پاک ہے ان کو جو اچھا ملتا ہے میری وجہ سے ملتا ہے اور جو برا ملتا ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اسا اپنی نیت درست کروں اپنی اصلاح کروں اپنی غلطیوں تے نگاہ پاؤں اور اگو ودھن واسطے امید دے رستے چلوں اور وقت دی بہترین منصوبہ بندی کروں وقت دی بہترین پلاننگ کروں اور زیادہ اہم کاموں کو پہلے کروں غیر اہم کاموں کو چھوڑ دوں اپنے آپ کو وقت دوں ٹی وی دے کو وقت ضائع نہ کروں اور اپنی تفریح کا وقت طے کروں اور اپنی فیملی کو وقت دوں تو انشاءاللہ سا کامیاب ٹھہروں تھینک یو جناب بہت شکریہ تو تشریف گھن کے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ دو گھنٹے گزر گئے تھے خواجہ مظہر صدیقی صاحب ہن تشریف گھن کے ندیم بیگ صاحب ہن تارے بہت شکریہ شاہ زیب سراکا ہن تارے بہت شکریہ اور آخر تک گیت بھی سننا چاہتا ہوں چھوٹا یا میسج مختصر میسج کیونکہ ٹائم بھی کمی زندگی بڑی محدود ہے وقت کا کوئی پتہ کوئی نہیں اپنی بہترین صلاحیتوں کا استعمال سیکھنا چاہیے ہے اگو ودھنا چاہیے ہے اور ارد گرد شکوے شکایت تو نکل کے اپنا بہترین پریزنٹ کرنا چاہیے واہ جی زبردست جی جی بات یہ سیدھی سی ہے جب تک آپ ٹاسک اورینٹڈ نہیں ہوں گے اپنے زندگی کا مقصد سامنے رکھیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر جد و جہد جاری رکھیں جب آپ جد و جہد کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالتے ہیں اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں بالکل اور رزلٹ بھی توکون مل دیتیا رزلٹ بھی نظر آ دیتیا اور بالکل مساکو سارے نال ہے یہ مساکو جناب جی چکن فلیور مسالہ ہے اور تو ضرور استعمال کرے سو ضرور ٹرائی کرے سو چکن دی طرح بالکل فلیور ہے پیا اور اگر چاہتے پہ ہو کہ کوئی بھی سبزی ہے کوئی بھی کھانا ہے جن سے تلے بچے شوق نال کھاون تو ضرور کھا سو گلا میرا ساتھ چھوڑ چکے اور مزید میں ہوں گفتگو نہیں کر سکتی نہیں اللہ سکتی اور میں سلسا اور شاہ زیب سراکا والے اور انہیں کو ریکویسٹ کر سکتے ساکو گیت سنے سے آخر اس پروگرام دے موسیقی
दरबा के सामने दादी पर बैठ गए ए रंग कनेरिया पाया काला जोड़ा बाबा दी पर बैठते कपड़े